चलो जी चलो जी हेलो 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 हाय गाइस गुड मॉर्निंग क्या हाल चाल आप लोगों का बहुत ही बढ़िया कितने स्टूडेंट यहां पर ऐसे हैं जो पेपर देकर आ रहे हैं ग्रुप वन का तुम पीछे बैठे हो फिर भी अच्छा सुबह चार बजे उठना होता है और कुछ रात को बारह बजे क्या करना होता है वो ही बताओ बारह बजे क्या करते हो तुम कौन सी वेबसाइट पे होते हो जी स्वागत है सभी लाइव वाले स्टूडेंट्स का बहुत बहुत आई होप आप अच्छे हैं कृपा करके अपने कंबल से बाहर आकर क्लास देखें इतनी आपसे गुजारिश है और माइक हेडफोन मस्ट है मेरी क्लास में ठीक है मम्मी पापा से बिल्कुल दूर हाँ यार एक्चुअली अदरवाइज पिताजी कहेंगे कि ये टीचर तो नहीं है भाई ये आदमी टीचर नहीं हो सकता तूने नौ दस हजार रुपए कहाँ दिए बता दे कौन सा स्टैंड चल रहा है ये गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ये दो दो लाइव क्यों चल रहे हैं अच्छा अलग अलग जगह पे ठीक है जी बहुत बढ़िया क्लैरिटी ठीक है पीछे वालों तुम कैसे देखोगे मेरे को ये बता दो पीछे तो टीवी भी नहीं है शायद एक सर हम हम आपको देख के काम चला लेंगे पेपर में क्वेश्चन आएगा आंखें बंद करेंगे कपिल गोयल आएगा लिख देंगे <laughs> बहुत बहुत स्वागत है सही बच्चों का बहुत बहुत प्यार अब फटाफट फड़ सेटल से डाउन हो जाओ एंट्री बंद कर दें अब यहां आने दें जगह नहीं है बैठने की जगह नहीं है आप यहां आ जाओ एक दरी डलवा देना यहाँ पे आप बेटा यहां आ जाओ स्टेज पे आ जाओ कोई बात नहीं लो जी नहीं मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि दिस टाइम वी डोंट हैव दैट मच ऑफ क्योंकि हमने स्पेस चेंज नहीं किया तो चैलेंज आएगा तो आप लोगों को अगर आगे बैठना है माहौल में बैठना है तो आपको टाइम से आना पड़ेगा थोड़ा जल्दी आना पड़ेगा ठीक है अच्छा लाइव वाले कह रहे सर मैं भी आ जाऊं फेस टू फेस में आजा बेटा छत खाली है हमारी ऊपर एक स्क्रीन और लगवा देंगे निवास थोड़ा सा करना भाई इधर करना कर थोड़ा और बस चलो जी लाइव वालों तब तक तुमसे बात कर लेते हैं क्लास ऐप पे नहीं आएगी रिया कुमारी अभी आपकी बेटा जो है वो पर चलेंगे आप एक काम करो तब तक आपके पास एक स्पाइरल नोटबुक है आप इसमें से एक पेज निकाल लीजिए ठीक है एक सिंगल पेज और उसको इस तरीके से फोल्ड कर एक लव लेटर लिखेंगे हम एक प्यारा खत प्यार का खत लिखना है अपने लिए साला सब कुछ दूसरों के लिए करोगे तुम अपने लिए कुछ नहीं करना एक प्यार वाला खत लिखिएगा पेपर लीजिए उसको इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए और थोड़ा मोटा हो तो ज्यादा अच्छा है पेपर और उस पर आपने अपना नाम लिखना है क्या नाम है आपका जैसे पूरा नाम जतिन पटवार जैसे आपको अपना नाम लिखना है सीए जतिन पटवार सी ए कपिल गोयल बोथ बोथ साइड साइड दोनों साइड और उसको फिर ऐसे रिमूव करके पतला पेपर होगा तो नहीं होगा ये काम आपने क्या करना है अपनी डेस्क पे रख लेना है अपने सामने ऐसे ठीक है तो कल आप अच्छी सी एक आर्ट पेपर आता है देखा है आप लोगों ने उसमें थोड़ा सा नीचे वेट कनेक्ट करके सर आप तो पांचवी क्लास वाले बच्चों की एक्टिविटी दे रहे हो वही तो देनी है मैंने आपन ऑडिट नहीं पढ़ेंगे आज हम गेम खेलेंगे कुछ आप खिलवा ना कुछ मैं खिलवाऊंगा आपने ऐसे अपना नाम लिख के टेबल पे रख लो ताकि मुझे आप सबके नाम दिखते रहे बेटा चलो जी बेटा फटाफट से सेटल डाउन करो सबको गर्मी लग रही है हम होट है भाई क्या करें सर्दी में भी गर्मी लग रही है तुम लोगों को हां निवास प्लीज स्क्रीन लेकर आइएगा प्लीज लो जी आज हमारी क्लास की शुरुआत है टुडे इज़ आर फर्स्ट लेक्चर ऑफ सी इंटर ऑडिटिंग फॉर योर अटेम्प्ट मे ट्वेंटी फोर एन वनवर्ड्स एग्जामिनेशन ठीक है जी सबसे पहले हम किन को ध्यान करते हैं जब भी कोई नई शुरुआत करते हैं भगवान श्री गणेश को तो एक बार जरूर मैं चाहूंगा हर स्टूडेंट भगवान को जरूर याद करें ताकि जो ये हमारी जर्नी है ना ये बहुत अच्छे से बीते और हम आगे बढ़े ज्ञान के देवता हैं भगवान श्री गणेश जी ठीक है सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं और आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आज के इस लेक्चर के अंदर आप लोगों ने इतना प्यार दिया और आप आए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो मेरे को बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे और काफी ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा जानते होंगे जितनी आई थिंक रिक्वायरमेंट नहीं है तो सभी बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में ठीक है जी क्लास की शुरुआत करना चाहूंगा एक बार बीच में फुल स्क्रीन आ, स्क्रीन ले आइएगा फुल स्क्रीन स्क्रीन मतलब पूरा लैपटॉप के स्क्रीन ठीक है भाई निवास देख तुम तो मेरे को ले आए यही तो छोटी छोटी बातें पूरा स्क्रीन स्क्रीन जब मैं बोलू अपने को तो पूरा फेस स्क्रीन मतलब स्क्रीन पूरी स्क्रीन दोनों मतलब दोनों तो पूरी स्क्रीन ले आओ एक बार दीज आर माई डिड इन माई ऑडिट करियर आप अगर कुछ मैंने अपने मेजर मेजर क्लाइंट्स को यहाँ पे रखा है आप देखेंगे होंडा मारुति सुजुकी पेपर बोट जिसको जिंगा कंपनी का नाम जिंगा है हयात होटल जिंदल स्टील्स एंड पावर लिमिटेड कॉन्टिनेंटल टायर मोनेट इस्पात ए एन ई प्रोपटाइगर त्रिवेणी इंजीनियरिंग जी सी एल फिट जी जो कि एक कोचिंग सेंटर है और भी बहुत सारे क्लाइंट मैंने किए हैं अपने दस साल के ऑडिटिंग के करियर के अंदर ठीक है तो आप देखेंगे जो हमारी ये जर्नी रहने वाली है आने वाले 40 और 45 लेक्चर या 50 लेक्चर्स की उसके अंदर आपको मैं अपनी इन सभी क्लाइंट्स का डिटेल में बहुत गहराई से अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिसको आप जाकर अप्लाई करेंगे कहां पर बेटा अपनी आर्टिकलशिप के अंदर और उसके बाद भी हमेशा लाइफ में मैं आपको ऑडिट के साथ साथ बिजनेस कैसे करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढते हैं स्टूडेंट लाइफ में पैसा कैसा कमाना है वो सारी चीजें भी सिखाऊंगा जो एक हम ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ चलते हैं भैया पहले कुछ बन जाएंगे फिर कुछ करेंगे तब तक, तक बाप से पैसा लेंगे आठ हजार की क्लास के बारह हजार लेंगे ताकि बंदी को मूवी भी दिखा दें वो वो बारह हजार आपको कैसे बनाना है वो आप इस क्लास में जरूर आखिरी तक सीख कर जाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को करना चाहते हैं या नहीं ये कुछ और बेसिक डिटेल है बेटा मेरे बारे में टीचिंग की बात करूं तो आई स्टार्टेड इन 2018। पहला बैच था कितने स्टूडेंट थे तेरा थर्टीन स्टूडेंट थर्टीन तेरा आपका हमारा मतलब मेरे को है ना यूपी की याद आ जाती है मैंने कहा तुम्हारा एड्रेस क्या कह रहे हमारा एड्रेस बताते हैं भैया हम आपको मैंने कहा पूरे खानदान का बता रहे हो क्या फ्रॉम थर्टीन इन टू थाउजेंड एटीन टूडेन थाउजेंड प्लस एवरी ईयर और अगर अभी बताऊं आप जिस क्लास में बैठे हैं थ्री हंड्रेड प्लस आई थिंक पूरा ही हाउसफुल है ये क्लास आपका अभी शायद एडमिशन भी नहीं ले पाएंगे जो माहौल में देख रहा हूं आज अभी भी आज भी मोर देन वन थाउजेंड स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस लेक्चर लाइव मतलब गूगल ड्राइव पेन ड्राइव फेस टू फेस सेंटर्स सबको अगर कंबाइन कर दिया जाए एग्जैक्ट नंबर नहीं है मेरे पास लेकिन इतना जरूर पता है कि 1000 प्लस स्टूडेंट आर टेकिंग दिस क्लासेस फॉर देयर मे 24 एंड ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट। आई हैव डन ऑडिट फॉर मोर देन 10 इयर्स। इंडिया हाईएस्ट मार्क्स इन थ्री अटेम्प्टोड बाय माय स्टूडेंट्स आई वर्क विद केपीएमजी गुड़गांव ऑफिस केपीएमजी यूएस सैन फ्रांसिस्को ऑफिस एंड ई गुड़गांव ऑफिस

ठीक है बिग के साथ और टॉप टेन सी एम के बाद जितना काम जितने क्लाइंट्स मैंने किए हैं जितने लिस्टेड क्लाइंट प्राइवेट लिमिटेड उतना एक्सपोजर आज के दिन किसी को भी नहीं है तो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज्यादा मिलने वाली है नंबर बोलना बेकार है अपने आपको पता नहीं टीम क्यों लिख देती है आप सबसे पहले आपको मैं बता दू आपको बुक्स क्या क्या मिलने वाली है रिशभ अरिवन क्लास फटाफट एक बार नीचे से फुल बुक सेट लेके आना इंटर का अगर, अगर अवेलेबल है तो देर विल बी टोटल फाइव बुक्स आपको दो मॉड्यूल मिलेंगे मॉड्यूल वन मॉड्यूल टू जो कि आपके जिसके अंदर सारे कवर होंगे उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जिसमें सारे क्वेश्चन कवर होंगे आईसीआई के एंड वन एमसी क्यू बुक बट उसको हम एम सी क्यू एंड केस बेस एमसी क्यू बुक बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर केस बेस एमसी क्यू भी मिलेंगे आपको एंड द लास्ट वन विल बी दुक जिसको आप बोल सकते हो समरी बुक तो टोटल कितनी किताबें मिलने वाली है आपको बेटा पांच किताबें मिलने वाली है और मजे की बात ये अपने को ना स्लिम बहुत अच्छा लगता है मैं खुद मोटा हूं किताबें बहुत पतली पतली है देख रहे हो बिल्कुल पतली पतली किताबें आपको लगेगा कि फीस वापस ले लेते हैं सर से क्योंकि ये तो सेल्फ करने वाला सब्जेक्ट था पैसे गलत दे दिए पचास क्लास में हमें लगा ही नहीं हमने कुछ सीखा है आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को सारी कॉमेडी तो सारी याद है ऑडिट कब हुआ वो समझ ही नहीं आया तो आप ऐसा हो सकता है आपको फील हो कि सर पैसे तो वापस दे दो फिर मैं बोलूंगा कॉमेडी के डबल दे दो <laughs> तो टोटल आप, आपको बेटा पांच किताबें मिलेंगी उसके बाद इसका सभी लोग स्क्रीन लेंगे इस स्लाइड का अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डाउट आता है भाई आपको किताबें नहीं मिली कृतिका का लेक्चर नहीं चल रहा बैकअप नहीं मिला ठीक है तो आपने ना इन नंबर पे फोन करना है नाइन टू एट नाइन फाइव ट्रिपल नाइन जीरो नंबर को डायल करना चाहें तो जीरो टू जीरो थ्री जीरो फोर पे भी आप डायल कर सकते हैं ठीक है जी तो इसका स्क्रीन ले लीजिए सभी स्टूडेंट राइट नाउ विद मी ओनली टेलीग्राम ऐप है सबके पास जाओ और वहां पर एक चैनल सर्च करो सी कपिल गोयल कितने 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 सब्सक्राइबर उसपे फिफ्टी एट थाउजेंड फिफ्टी सिक्स आप उस चैनल पे जाओ सी ए कपिल गोयल जिसपे फिफ्टी सिक्स के आसपास आपको सब्सक्राइबर या मेंबर्स जो भी आप बोलते हो वो दिखे फिफ्टी नाइन हो गए फिफ्टी नाइन वाले मेंबर को आप सब्सक्राइब कर लो ठीक है कर लिया सबने मैंडेटरी है ये उसी पे ही एक और चैनल का लिंक मैं आपके साथ शेयर करूंगा सी ए इंटर ऑडिट नोट्स उस चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है जहां पे मैं सारे ऑडिट के अपने हैंडन नोट्स समरी टेस्ट पेपर्स और भी बहुत कुछ शेयर करता हूं फॉर योर एग्जामिनेशन तो वो आपके पास होना ही चाहिए उसके अलावा एक YouTube चैनल है मेरा कपिल हैोयल जिसपे आप सभी लोग तो ऑलरेडी लाइव देख रहे हो किसी दूसरे पे मत सर्च करने लग जाना सर ने बोला है, सर्च करो उसे छोड़ के मैं कहीं और ही निकल जाओ तो उस चैनल पे बेटा मैं बहुत सारे रिवीजन वीडियोस लाइव लेक्चर्स क्वेश्चन बैंक डिस्कशन और भी काफी कुछ डालता हूँ जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं बाकी वाली चीजों को ठीक है काफी स्टूडेंट्स को आपको आई रिलेटेड डाउट्स आएंगे आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी क्या प्रॉब्लम आएगी रात को आपने लेक्चर देखा दिन में आपने बंदी ने देखना है लैपटॉप चेंज करना है आपको मान लो तो कभी कभी हो जाता है आईटी में बग होता है ना आईटी में बग होता है बेटा सिस्टम में बग हो सकता है ना तो कभी कभी चल जाएगा कभी कभी नहीं चलेगा फिर आप फोन करोगे किसको मुझे कपिल सर रात को तो चल रहा था दिन में नहीं चल रहा है तो आपने मुझे फोन नहीं करना है इन सब चीजों के लिए कहा फोन करना है आपको टेक्निकल टीम का नंबर अलग से है अब बच्चा क्या करता है टेक्निकल टीम के लिए भी कौन सा नंबर मिलाएगा जीरो वन आपने क्या करना है टेक्निकल टीम का नंबर आपके लिए अलग से ईमेल पे आएगा जब जहां पे आपको बैकअप का ईमेल लिंक आएगा ना जिन बच्चों ने गूगल ड्राइव लिया वो भी अपनी मेल चेक कीजिएगा टेक्निकल टीम का नंबर आपको वहां मिलेगा आप उन्हें व्हाट्सअप कीजिएगा विद इन ट्वेंटी फोर आवर कनेक्ट विद यू इफ इट इज अ वर्किंग डे कुछ बच्चा कहता है फ्राइडे को मैंने शाम को क्वेरी डाली थी मंडे हो गए कपिल सर तीन दिन हो गए वॉट सर्विस क्या सर्विस है आपकी ये मैंने कहा हाँ बेटे मेरे घर आते तब दूंगा मैं बढ़िया सर्विस मतलब फ्राइडे रात को आप मेल डाल रहे अरे अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं अभी तो मैंने शुरुआत भी नहीं की मतलब फ्राइडे इवनिंग में आप लोग डाल रहे हो व्हाट्सएप मैसेज एंड यू आर एक्सपेक्टिंग रिप्लाई ऑन सैटरडे संडे भाई नहीं कर पाएंगे लोग काम क्योंकि उनकी भी अपनी जिंदगी है ठीक है और होशियार बालक श्रीराम कॉलेज वगैरह के अगर बैठे हो तो बोलो भैया कॉलेज में में इतनी मस्ती नहीं है अपनी क्लास में पढ़ने आए हैं बच्चे होते उनको बोलूंगा इंजॉय लाइफ इंजॉय योर लाइफ और इंजॉयमेंट के साथ साथ आपको रैंक वन दिलवाने का वादा मेरा है ठीक है ये मेरा ये गलत नंबर लिखा है मेरी टीम ने नलाय को ये जो नंबर लिखा है ना यहाँ पे ये नहीं, नहीं है नंबर नंबर चेंज करो ये जो नंबर है ना यहां को उल्टा कर दो इसको 10 कर दो One zero is my number, जिस पे आप व्हाट्सअप करेंगे अपने कंसेप्ट रिलेटेड डाउट मैंने क्या बोला बस इस बात को याद रखना जो कि आप मैसेज भेजते टाइम हमेशा भूल जाते हो ठीक है मैं यहां पे कोई वो नहीं हूं क्या बोलते हैं उसको जो आपकी पर्सनल प्रेमी वाली लाइफ को सुधारने का काम करते हैं मैं कोई लव गुरु नहीं हूं ठीक है एक बच्चे का मैसेज आता है कपिल सर टॉक टू मी मैंने कहा ओके okay. मैंने कहा ओके आई विल डू इट टुमारो एट इलेवन ए एम सर टॉक टू मी राइट नाउ अदरवाइज आई विल डू सुसाइड मैंने कहा ओके okay, काम कर, कर ले फिर मेरा कल का भी टाइम बचेगा एक बुक मिसिंग है इसमें कोई बात नहीं इस तरह से आपको पांच बुक मिलेंगे दिस इज मॉड्यूल वन किताब का नाम क्या है ये आपकी किताब अलग आएगी एग्जिस्टिंग बुक है आपकी बुक अलग होंगी इसका नाम क्या है बेटा आराधना अरा, को आराधना नहीं है ये आराधना का मतलब क्या है यहां पे हाँ आराधना को हम अपने किस किस फॉर्म में लेके जाते हैं आराधना को कि प्रेयर 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 से मैं क्या डिनोट करना चाह रहा हूं क्या बताना चाह रहा हूं देखिए आप लोगों ने हमेशा सुना होगा अपनी लाइफ में स्कूल लाइफ से ही कि अगर आप कंसिस्टेंट है किसी काम में चाहे आप कुछ टाइम के लिए ही किसी काम को आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं उसमें आप प्रो हो जाते हैं और आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिल जाती है ऑडिटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आप एक बार पढ़कर अगर छोड़ देंगे ना तो फिर आपको हमेशा उतना ही टाइम लगाना पड़ेगा आराधना इसलिए नाम रखा है ताकि बच्चे को हमेशा याद रहे कि कपिल सर ने बोला था कि ऑडिट है ना डेली पढ़ना है टिल एग्जाम पंद्रह मिनट पढ़ लेना सिर्फ कितने मिनट बेटा तो आज ही सही आपने मेरी बात अपनी लाइफ के अंदर ये क्या कर देना है अप्लाई करना है कि डेली ऑडिट कितने मिनट पढ़ना है 15 सर फिर तो एक सब्जेक्ट ही कम हो गया हमारा मैंने कहा कर लो आपने अगर मेरी ये बात मान ली आपका आज एक सब्जेक्ट कम हो जाता है ऑडिटिंग उसको आपको अलग से कोई भी टाइम देने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी तो ऐसे पांच बुक मिलेगी फटाफट दिखाता हूं मॉड्यूल वन दिस विल बी योर मॉड्यूल टू देन देर विल बी वन क्वेश्चन बैंक वन एमसीक्यू बुक एंड द लास्ट वन योर चार्ट बुक कलरफुल मैंने समरी बुक बना रखी आप लोगों के लिए ठीक है जी चलो जी आगे चलते हैं ये लो जी क्या क्या कवरेज होगा क्लास में जानना चाहते हो सभी लोग सबसे पहले आईसीए का हंड्रेड परसेंट स्टडी मटेरियल क्लास में कवर होगा हंड्रेड परसेंट फाइव और नाइनटी नहीं बोल रहा हूँ इन क्लास इट उसके अलावा अगर किसी ने आईसी स्टडी मेटेरियल देखा है न्यू वन दो चीजें नई आई हैं आपने पुराना नहीं देखा होगा इसलिए मैं बता रहा हूं दो चीजें नई इंट्रोड्यूस हुई नॉलेज कुछ, कुछ नए कर दिए तो टेस्ट योर नॉलेज और जितने भी आई एक इलेट्रेशन है वो ऑलरेडी मैंने सब किस में डाल दिए ऑलरेडी आपकी मेन कंसेप्ट बुक में डाल दिए कंसेप्ट के नीचे तो, जैसे जैसे हम क्लास के कंसेप्ट कवर करेंगे टेस्ट योर नॉलेज और इलेस्टेशन हम साथ साथ खत्म करेंगे इनफ थर्ड वन आपके एग्जाम के अंदर केस केस एमसीक्यूज आते हैं एमसीक्यू दो तरीके से होंगे बेटा कुछ मैं क्लास में करवाऊंगा कुछ डेडिकेटेड मैं पांच से छह लेक्चर्स लाइव लेता हूं बिफोर एग्जाम उससे क्या होता है आप पूरा ना एक आपको पुश मिल जाता है एग्जाम के लिए वो लाइव लेक्चर के अंदर भी मैं करवाता हूं बट यस आपको मेरा वीडियो मिलेगा ंड्रेड परसेंट केस बेस एमसीक्यूज का समझ आ रही है मेरी बात मतलब आप चाहे तो सेल्फ भी कर सकते हैं आप चाहे तो क्लास देखकर भी कर सकते हैं दैट विल बी योर चॉइस कि आपको किस तरीके से करना है आगे चलते हैं ऑल पास्ट ईयर क्वेश्चन और लाइव भी लेता हूं मैं अलग से तो लाइव भी लेंगे हम डेली राइटिंग प्रैक्टिस होगी आपकी क्लास में आपको दो रजिस्टर लेके आने हैं अभी तीन चार दिन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि अभी तो बेस बनाने में मुझे बहुत टाइम लगेगा आपको दो रजिस्टर मेंटेन करने हैं वन इज फॉर डेली राइटिंग प्रैक्टिस आप जब क्लास में आएंगे तो आपको डेली एक क्वेश्चन मिलेगा वो आपने लिख लेना है मैं रेंडमली पांच सात स्टूडेंट्स की नोटबुक देख के उसी नोटबुक में मैं सजेशन देता हूँ कि आपको मेन एग्जाम के लिए क्या इंप्रूव करना है तो वहां पर मैं नोट लिखता हूँ फिर अगली बार दोबारा मान लो मैंने कभी आपकी पांच दिन बाद छह दिन बाद या स्पेशली आफ्टर क्लास आप आ गए सर एक बार देख लो नोटबुक तो मैं देखता हूं कि अभी आपकी नोटबुक में क्या रिक्वायरमेंट है तो आपके पास ना एक पूरा अपना राइटिंग प्रैक्टिस का एक रजिस्टर बन जाएगा आपका जिसमें आप आफ्टर फ्यू डेज उस तरीके से लिख पाएंगे जैसे आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको डेली राइटिंग इसीलिए हमारी क्लास तीन घंटे की है तीन घंटे नहीं पढ़ाता भाई मैं ऑडिटिंग जैसा सब्जेक्ट है दो घंटे के बाद आपको खुद को बोरियत आ जाएगी तो हमारा जो स्टार्टिंग का थर्टी मिनट्स है या आखिरी का थर्टी मिनट है दैट वी विल यूटिलाइज फॉर दी डेली राइटिंग

पुणे के अंदर मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी ठीक है उसके बाद वहां पे पंद्रह दिन ही क्लास लूंगा नहीं बता रहा डिटेल में ये बात। जानना है दोबारा से क्योंकि तो आपको स्केड्यूल दिया था बता देता हूं सुन लो आराम से अभी मेरा टारगेट है आपको कुछ नहीं करना सिर्फ और सिर्फ अपने फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करना है ठीक है हमारी जब भी क्लास दोबारा से री होगी वहां से लेकर फिफ्थ ऑफ जनवरी तक मेरा टारगेट है कि हम मॉड्यूल वन खत्म कर देंगे उसके बाद आपके तकरीबन चार टेस्ट पेपर होंगे मॉड्यूल वन के मल्टीपल चैप्टर जैसे दो चैप्टर का चार चैप्टर का ऐसे टोटल चार से पांच टेस्ट पेपर होंगे जिसमें आपको आपकी परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन मिलेगा दूसरा एक और बात जब मैं लास्ट सेशन में आया था तो आपको ये बोला जा रहा था कि मैं क्लास भी लूंगा मैं कोई क्लास नहीं लूंगा भाई ठीक है मैं कोई भी क्लास नहीं लूंगा और दूसरा आपको लेने भी नहीं दूंगा जैसे होता क्या है मेरे साथ लास्ट बैच में भी हुआ ये मैंने आपको ऑडिट का ऑफ दे दिया आज का उस टाइम हुआ क्या एडवांस अकाउंट वाले सर को लगा रहे ऑडिट के सर ने तो छुट्टी ली है बच्चों आपके एडवांस अकाउंट ना 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 आपको ऑफ किस लिए दिया गया है पढ़ने के लिए भाई मैं मेरे सब्जेक्ट का टाइम स्पेयर करके आपको दे रहा हूं तो आपको टेस्ट पेपर कैसे लिखोगे तो आपको उस छुट्टी में ना जो भी आपके पास आर्स रहेंगे यू हैव टू स्टडी और आप उसके बाद टेस्ट पेपर लिखेंगे तो इस तरह से आपके 15 डेज 12 टू तो 15 डेज टेस्ट पेपर होंगे एवरी थर्ड डे आपको टेस्ट देना है और मैं आपको बताऊं प्लीज उस चीज को ना खूब मस्ती करना मेरे साथ जितनी करनी हो लेकिन वो पंद्रह दिन ना आपके लिए मतलब गेम चेंजर होंगे ठीक है वो हम पंद्रह दिन लगाएंगे उसके बाद वापस से हम क्लास लेंगे फिर वापस से पंद्रह बीस दिन हमारी क्लास चलेगी और आपका सिलेबस खत्म तो मोर और लेस जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा वो हो जाएगा फिफ्टीन फैब को लेकिन मैंने डेट क्या दिया बेटा ट्वेंटी मतलब उसके बाद आपको क्या देना पंद्रह से टेस्ट पेपर देने ट्वेंटी फेबर को आप ये प्लान बना सकते हो अगर आप सीरियस हो तो कि भैया मेरा ऑडिट सिर्फ क्लासेस कंप्लीट नहीं होगी क्लासेस भी कंप्लीट होगी पूरा क्वेश्चंस पास्ट ईयर कंप्लीट करेंगे हम सारा कंप्लीट करेंगे, सारे टेस्ट पेपर लिखेंगे खत्म करेंगे उसको उसके बाद मार्च अप्रैल, मई, महीने, जून में एग्जाम होंगे तक है। आपको तीन महीने क्या करना है सिर्फ पंद्रह मिनट ऑडिट पढ़ना है कितने मिनट बेटा फिफ्टीन मिनट एंड यू स्कोर एट्टी प्लस मार्क्स कितना अच्छा लग रहा है ना फैंसी फिफ्टीन मिनट एंड एट्टी प्लस मार्क्स वाव सुनो 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 ऐसा वही बच्चे कर पाएंगे जो अभी के जो ये वाले दिन जनवरी फेबररी जो ये 90 डेज मेरे साथ बहुत सीरियसली बिताने वाले हैं मैं जितना जोकर यहां पे दिखता हूं ना उतना तो सीरियस भी हूं मैं मुझे लगता है जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप जो चीज कर रहे हो वो पूरी करो अयाशी कर रहे हो पूरी करो कर पढ़ाई कर, कर रहे हो तो 100%, उस टाइम ये नहीं होना चाहिए कि क्या चल रहा होगा मार्केट में वो भी देख लू वो किससे बात कर रही होगी उसके फोन में ऑनलाइन क्यों आ रहा है उस टाइम वो सब नहीं ठीक है ये आपके कुछ रैंकर्स हैं पास्ट के ठीक है जी अब मैं चाहूंगा आप इस फोटो में आना चाहते हो कितने स्टूडेंट रैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दोज आर सीरियस फॉर द रैंक देखिए एक सेकेंड मैंने इसका वीडियो बनाना चाहूंगा ऋषभ आर यू इन क्लास ऋषभ ऋषभ चला गया नालायक ये देखो ये हमारे सहकर्मी है।, है स्टार्ट गायब, आप बेटा एक बार हैंड रेस करो पूरे जो वापस से जो रैंक के लिए तैयार है हाथ कैसे बढ़ गए थोड़े से हैंड रेस करो एक बार एक सेकंड प्लीज प्लीज सीरियसली ये ऐसे नहीं करना ऐसे करना है जिनके हाथ नीचे है ना वो इन हैंड्स को देखो एक बार देख लो एक बार सब सर मैं कैसे देखू लाइव वाले पूछ रहे हैं मैं बता दूंगा तेरे को नंबर तू टेंशन ना ले तूने उठा रखा है हाथ पहले ये बता हाथ उठाना है सिर्फ <laughs> कमेंट में बताना है ठीक है लाइव वालों कमेंट में बताना है नीचे करो भैया हाँ जी कितने हैंड दिखे आपको हा पचास पचास होंगे भाई फिफ्टी होंगे बेटा ज्यादा ज्यादा कितने स्टूडेंट बैठे हैं अभी क्लास में साढ़े तीन सौ साढ़े चार सौ तो नहीं लग रहे मुझे इतनी फीस तो नहीं आई मेरे पास साढ़े तीन सौ चलो साढ़े तीन सौ में से फिफ्टी कितने परसेंट सर अभी हमने ना बाकी मैथ्स वगैरह पढ़ के नहीं आया हूं दस से पंद्रह पंद्रह परसेंट मान लेते हैं चौदह सर चौदह गलत बढ़ है पंद्रह परसेंट फिफ्टीन सुनिएगा जैसा टीचर वैसे बालक फिफ्टीन परसेंट अब आप समझो भाई ध्यान से अब जो नहीं तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से मेरी बात सुनना देखो इन मजाक मजाक में ना वो छोटी छोटी लर्निंग होंगी तो प्लीज या तो लिख लेना क्योंकि याद रहेंगी नहीं एक दौड़ लगानी है जिसमें एक लाख स्टूडेंट है दौड़ना है अपने को कुछ स्पेशल अचीव करने के लिए आईसे कहता है दौड़ो नब्बे हजार कहते हैं हम दौड़ रहे नब्बे भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं नाइनटी स्टूडेंट बोलते हैं हम दौड़ रहे भैया जिसको दौड़ना है मैं जो बोल रहा हूं ना बहुत फैक्चुअल बात कर रहा हूं अब एक होती है जजमेंटल एक होता है फैक्चुअल मैं भी फैक्चुअल बात कर रहा हूं सिर्फ 5000 बच्चे ना रेस में आ गए कितने जिनमें से डेढ़ सौ की रैंक आ जाती है तो कैसे हमने तो सुना है पचास ही आती है डेढ़ सौ कैसे आती है डबल रैंक्स भी होती है पता है आपको पांच हजार बच्चों के आसपास प्रिपेयर करते हैं रैंक के लिए और उसमें से डेढ़ सौ कितने परसेंट हो गए पांच हजार का निकालना दो परसेंट बोलता हूं दो परसेंट ले लेते हैं अपन सीए का रिजल्ट होता है आठ से दस परसेंट अगर आप रैंक के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपका चांस है आप उस दो परसेंट की रेस में हो कि आपकी रैंक आ सकती है सर आप इतना क्यों पुश कर रहे हो प्रेशर क्यों दे रहे हो रैंक के ऊपर बताऊँगा ये करने के लिए बैठे हो ना लाइफ में कुछ अलग करना है लाइफ में कुछ बनना है अपनी एक रिस्पेक्ट चाहिए कि कोई दूसरा देखते ही बोले अगर आप बोलते हो भाई मैं एक आपको ना एग्जाम्पल दूंगा प्लीज उसको पॉजिटिवली लेना ठीक है अभी बाद में देता हूँ चलो वो एग्जाम्पल चलो अभी देता हूँ अभी देता हूँ अभी देता हूँ अभी देता हूँ मैं ना पालमवीर गुड़गांव में रहता हूँ और आप घर पे क्या इस तरह से बैठता हूँ मैं जैसे अभी हूँ नहीं ना आप इमेजिनेशन करो ज्यादा मत करना मैं क्या एक टी शर्ट और जोकी का हाफ निक इसी में इमेजिनेशन कर, करना इससे ज्यादा नहीं ठीक है अपन ऐसे ही रहते हैं सब लोग घर में कोविड आया पहले घर छोटा ना बहुत होता था सबके लिए मानते हो मानते हो भाई पहले छोटा घर इनफ होता था क्योंकि सब लोग घर से बाहर जाते थे काम करने तो घर की कोई खास जरूरत होती नहीं थी कोविड के बाद एक माइंडसेट चेंज हुआ है घर इतना तो कि घर में रहना पड़ जाए तो स्पेस हो तो एक दिन मैं ऐसे ही सुबह सुबह उठा और मैं कोई घर देखने चला गया जिस हालात में था उसी में चप्पल डाली और निकल गया सेल्समैन वहां मिला मुझे बोले सर क्या क्या देखने हो मैंने कहा घर दिखा गए रहा सर आपके बजट का तो शायद होगा नहीं यहां पे बोला आपकी रिक्वायरमेंट क्या है मैंने कहा मेरी रिक्वायरमेंट है कम से कम कम से कम बता रहा हूं मैंने कहा मेरी रिक्वायरमेंट है कम से कम पांच हजार स्क्वायर फिट का मकान वो तो मेरे को ऐसे नीचे से ऊपर देख रहा है कह रहा सर हजार या पांच सौ मैंने कहा पांच हजार उसने भी हिचकिचाया नहीं बोले सर आप क्या करते हो मैंने कहा आई एम चार्ट अकाउंटेंट उसने कहा सर प्लीज वेलकम भाई बढ़िया कॉफी बढ़िया ब्रेकफास्ट उसने करवाया मुझे आप समझिए ये जो डिग्री है ना हमारी सीए की ये आप दिखने में कैसे हो आपने क्या पहना है आप कैसी जगह पे हो मैटर नहीं करता जैसे ही सामने वाले को पता चलेगा ना यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट वो शो करे या ना करे लेकिन उसके दिल में पता चल जाता है कि आप बहुत ही बड़े आदमी हो और आप बहुत ही नॉलेजेबल आदमी हो आपसे वो बहुत कुछ सीख सकता है ये है हमारे सीए की डिग्री ये है सीए की वैल्यू ठीक है जी आगे चलते हैं क्या लिखा है भैया स्क्रीन पे क्या लिखा है मेहनत इतनी करो सफलता भाई मैं उन सभी माता पिता से माफी मांगता हूं जो भी वीडियो सुन रहे हैं उसके लिए माफी ये मैं मेहनत पढ़ाई वाली बोल रहा हूं आपने इतनी मेहनत करनी है आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है ट्रू टू यल्फ समझते हो ट्रू टू यल्फ अपने आप से ओनेस्ट रहना अपने आप से ईमानदार रहना समझते हो नहीं समझते हो आप लोग क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट की ग्रुप वन की क्लासेस कंप्लीट होने वाली होंगी कितने स्टूडेंट जस्ट रेज योर हैंड कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ग्रुप वन की क्लासेस अबाउट टू कंप्लीट है या चल रही है हाँ जी नीचे कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट बेटा एक बात बताना ईमानदारी से आपके टीचर ने जिस तरह से आज मेरी पहली क्लास है उन्होंने भी अपने इनिशियल कुछ लेक्चर्स में आपको कुछ समझाया होगा और बोला होगा ये ये काम आपने करने हैं आपने बोला होगा सर कर देंगे मैं तो एक तीन महीने के बाद आ रहा हूं आपको दोबारा उस चीज की वैल्यू बताने आपको पहले ही कोई सब कुछ बता चुका है आपने क्या किया वो पांच परसेंट फाइव परसेंट स्टूडेंट ने किया होगा नाइन्टी फाइव ने नहीं किया होगा ट्रू टू यूर सेल्फ अपने आप से पूछो कि आपने क्या है, नहीं किया मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको पता है कि आपने तो समझो ये एक दूसरा मौका है नवंबर तो दूर सी की यही तो खासियत है मई में एग्जाम देते हैं दो महीने में रिजल्ट आता है जुलाई रिजल्ट फेल बच्चा रोता ही नहीं क्यों मम्मा एग्जाम फॉर्म निकल गए हैं उसको भरना है पढ़ाई करनी है तो पता ही नहीं चलेगा कैसे छह महीने फ्लिप होते जा रहे हैं आपको तो यू हैव बी मेक sure कि आपने अभी सारी बातें माननी है अपने सभी टीचर्स की और पीछे वाली सभी बातों को याद करना है ठीक है सचिन गोयल साहब बहुत बढ़िया लो जी लो जी लो जी एक और बात यहां पे आपके लिए है सी ए इज नॉट ए टफ कोर्स इट इज ए कोर्स फॉर अब टफ पीपल क्या सर ऐसा बंदा जिसको मारते रह टूटेगा नहीं इस लाइन को अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पर लिखेंगे प्लीज सभी स्टूडेंट लिखेंगे कोई ये ना सोचे कि मेरे को मोटिवेशन की जरूरत नहीं है मैं ऑलरेडी बहुत मोटिवेटेड हूं हर स्टूडेंट प्लीज लिखेगा नाउ आई विल टेल यू वट इज टफ पीपल हमारे लिए क्या है टफ अच्छा कोई एक बार, एक स्टूडेंट मेरे को एक बात बताए क्या सी ए कोर्स बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही नॉलेजेबल रिक्वायर्ड वाला कोर्स है नो no. ये लबोरियस कोर्स है आपको यहां पे ना एफर्ट टाइम ज्यादा देना पड़ता है लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो आप बहुत अच्छे से क्रैक कर सकते हो यस और नो तो टफ पीपल मतलब एक स्टूडेंट के फॉर्म में ये बात मैं रख रहा हूं आपको ये टफ किस फॉर्म में आप सोचते हो कि टफ है बताइए नंबर वन जो मुझे लगता है दैट इज सेक्रीफाइस जितने सेक्रीफाइस आप लोग करते हो ना उतना कोई नहीं करता कोई नहीं करता आप सुबह चार बजे उठते हो डेडिकेटेडली फॉर थ्री इयर्स यू रिपीट दिस एक्टिविटी इस उम्मीद में कि एक दिन सीए बनेंगे आप अपने घर की जैसे दिसंबर चल रहा है तो इंडिया में ये दिसंबर ना बड़ा फेस्टिवल मंथ होता है मानते हो बहुत सारी शादियां होती हैं बहुत सारे फंक्शंस होते हैं न्यू ईयर होता है वी अरे छोड़ो इस बार का तो एक बहुत ही लेटेस्ट एग्जाम्पल है मेरे पास क्या दिवाली मतलब समझिएगा अगर ये मैं कह रहा हूं इंडिया के अलावा कोई दूसरी जगह होती ना तो ऑर्गेनाइजर भी इस चीज का ध्यान रखता लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजर ने मान लिया है कि दिवाली दोबारा आ जाएगी हमारे बच्चों की दिवाली कोर्स ही है दिवाली सब बच्चों ने सेक्रीफाइस की दिवाली से पहले दिन भी पेपर था दिवाली के अगले दिन भी पेपर था और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्टूडेंट लाइफ में स्कोर करते हैं सेक्रीफाइस करते हैं मेरी मम्मी ने मेरे को तीन महीने पहले इस बार बोलना चालू किया था कि बेटा इस बार महेंद्रगढ़ आना है तेरे को मैंने कहा मम्मी पक्का हूंगा मैंने डेट चेक ही नहीं की थी मैंने कहा पक्का इस बार सब फैमिली एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करेंगे मनाएंगे दिवाली आती गई मेरे को डेट देखी दे मैंने मैंने कहा यार डेट शीट ये तो ऑडिट का एग्जाम है अगले दिन तो क्लियर हो गया था मैं नहीं जा पाऊंगा मैंने मम्मी को फोन किया मैंने कहा काम करते हैं ना दिवाली वाले दिन क्यों आना है पहले ही आ जाता हूँ भाई वो खुश मैं चला गया पहले दस दिन पहले आराम से तीन चार दिन रुका पापा को पहले ही समझा दिया था और मैंने मैंने फिर मम्मी को समझाया कहा देखो बात ऐसी है कि बच्चों का है एग्जाम मुझे वापस जाना पड़ेगा फिर मम्मी ने पता है क्या कहा बोली बेटा बच्चों का एग्जाम पहले है तू चला जा मतलब उन्होंने मैंने दो मिनट भी नहीं लगाई उन्होंने इस थॉट को अपने अंदर लाने में कि बच्चों का और मेरे को इस बार पता है क्या दुआ देती है ये बहुत अच्छा मतलब इमोशनल कर देती है मेरे को वो यही सब बातें जब वो, मैंने आज उनको बोला कल मेरी बात हो रही थी मैंने कहा मम्मी मेरा कल से ना नया बैस स्टार्ट हो रहा है आशीर्वाद दो उसने कहा नए वालों का तो आशीर्वाद देती रहूंगी जिनका पेपर हुआ है ना उनका रिजल्ट भगवान करे बहुत अच्छा है अरे नए का तो मुझे पता है तू कर लेगा कह रही है जिनका पेपर हुआ है ना उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है पहले तो मेरी ये दुआ है तेरे लिए तो मतलब एक जो नहीं पढ़ी लिखी मेरी माँ है उनको भी पता है सी एग्जाम की वैल्यू क्या है क्योंकि उन्होंने मुझे देखा है तो वो भी समझती है इस बात को तो टफ है ये हमारा कोर्स इन द सेंस यू हैव टू योर पर्सनल लाइफ ये करनी ही पड़ती है हमें लेकिन अब आप इस चीज को पॉजिटिवली लीजिएगा कि अब हमारा सी ए कोर्स काफी छोटा हो गया है आर्टिकलशिप आपकी दो साल की हो गई है तो प्लीज उस चीज को एंजॉय कीजिएगा क्योंकि ये मोमेंट आप अपने आगे पूरी लाइफ एंजॉय करने वाले हैं और ये कोर्स आपको सब कुछ देने वाला है तो इसको पॉजिटिवली लेते हुए आगे बढ़ना नाउ इंपॉर्टेंट थिंग बक्ड़ खेल रहे हो तुम ऐसे कर रहा है ये झटका क्यों रहे है तुमने यहां पे <laughs> काउंट करना ऐसे कर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये ऐसे क्या था इट It... अच्छा वो टेन होता होगा शायद उसका लो जी एग्जाम पैटर्न देखिएगा बेटा आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो है बहुत आसान पेपर ऑडिट का सबसे आसान सबसे खास बात इस सब्जेक्ट की है कि इसके अंदर आपके थर्टी मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे जिनमें आपने क्या करना है गोला बनाना है बिंदी बनानी है कोई ना समझ आए तो आपने क्या करना है आवाज देनी जी जी <laughs> सोलह का बताइए जरा तो वो तुझे तुझे देखना है अब आज तो तब भी जीजी देख ही देगा अदरवाइज वो आंसर नहीं बताएगी जिस तरह की हमारी शक्लें हैं भैया <laughs> को खुद भी ना आता <laughs> बेटा आजकल होशियार लड़कियां हैं ये मान लो ठीक है थर्टी मार्क्स के आपके एमसीक्यूज आएंगे एमसीक्यूज समझते हो आप लोग गोला बनाना फोर्टीन मार्क्स कहेंगे करेक्ट इन करेक्ट क्या बात है पेपर लिखना है ही नहीं हमको पता है आपको ये बात बात अच्छा लग रहा है है थोड़ा सा? ब्रीथ करो फिर आ, क्या बात है? मतलब चालीस नंबर तो पास होने के लिए चाहिए वो तो ऐसे कह रहा है लो ऐसे फोर्टीन मार्क्स के करेक्ट इन करेक्ट का मतलब क्या है बेटा दो बच्चे इधर आए प्लीज एक बार आओ जल्दी आपका नाम क्या है दीपक दीपक और आपका नाम सचिन इनका नाम है दीपक इनका नाम है सचिन सचिन गोयल ठीक है पेपर में क्वेश्चन आएगा तुम उधर हो जाओ तुम उधर जाओ तुम, तुम इधर आओ क्या ये सचिन है नहीं <laughs> आपने क्या लिखना है नहीं ये सचिन तो फिर ये कौन है नहीं दीपक है ना गलत बोला तुमने आपके पेपर में ध्यान समझो क्वेश्चन क्या आना है आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या ये दीपक है आपने कहा ना नहीं आपने आंसर दे दिया लेकिन यहां पे दो नंबर नहीं मिलेंगे ऐसा इस चीज के दो नंबर देगा आपको आपने रीजन लिखना है कि ये दीपक आपने फिर दीपक के बारे में बताना है शकल किसकी आई है आंसर में क्या बताना है समझ पा रहे हो आपने लिखना है दीपक है दाढ़ी है ठीक है टी शर्ट पहनता है पतला सा है फिर आपने दीपक के बारे में बता दिया भाई ये दीपक नहीं है आपने फिर ये कौन है ये भी बता दो अगले पैराग्राफ में ये भाई साहब कौन है जो पेपर में आए हैं ये बताओ ये सचिन है ये वो वाले सचिन नहीं है बैठो अब आप अब आपको क्या समझ आया क्या, क्या फील कर पाए आपके एग्जाम में फोर्टीन मार्क्स के करेक्ट इन करेक्ट आएंगे टोटल एट होंगे एनी सेवन यू कैन अटेम्प्ट आपने पूछ आपके पेपर में आएगा एक्स दिस स्टेटमेंट इज बिलोंग्स टू एक्स आपने लिखना है नो 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 दिस इज रॉन्ग दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू वाई एंड देन एक्सप्लेन वट इज वाई एंड आपके पेपर में एक स्टेटमेंट देके क्या पूछा था वेदर दिस स्टेटमेंट इज एक्स तो आपने क्या करना है बाद में एक्स को भी एक्सप्लेन मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ वाई को एक्सप्लेन कर देते हैं नहीं भैया ये एक्स नहीं है ये तो वाई है वो जो स्टेटमेंट पूछी जाती है एक्स की ये क्या है वो दूसरी स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं करते और उनको आउट ऑफ 2 मार्क्स कितने मिलते हैं अगर आप टू आउट ऑफ टू स्कोर करना चाहते हैं तो याद रखना भी ये मेरी बात है आपने दोनों ही स्टेटमेंट को एग्जाम में एक्सप्लेन करना है एक और गुरु मंत्र दे दू आज भाई मंत्र लो गुरु छोड़ो आपके पेपर में आठ क्वेश्चन आएंगे जिसमें से सात इनकरेक्ट होंगे आपने दिमाग ही नहीं लगाना ये करेक्ट इनकरेक्ट है सारे क्या होंगे इनकरेक्ट होंगे फिर मैं तो सारे इनकरेक्ट कर दूंगा ऐसे नंबर दे देगा मुझे एक एक नंबर किसके मिलते हैं आपको एक बच्चा एक्चुअली में लिखता है तरुण लिखता है कि कपिल सर मैंने लिख दिया इनकरेक्ट स्टेटमेंट को करेक्ट बट रीजन सही था आपने क्लास में बोला था रीजन के नंबर मिलते हैं तो दो नंबर मिलेंगे मुझे <laughs> कितने मिलेंगे जीरो ठीक है समझ गए लो जी आपके एक, और फिर उसके बाद आएगा लप्पू लप्पू से क्वेश्चन भाई आपके कितने नंबर का काम हो गया थर्टी प्लस फोर्टीन कितना बचा फिफ्टी सिक्स उसमें आएंगे आपके थ्री मार्क्स के और फोर मार्क्स के क्वेश्चन कितने नंबर के क्वेश्चन बेटा तीन नंबर और चार नंबर उसमें भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि कोई एक क्वेश्चन आप पूरा छोड़ सकते हो ऑप्शनल क्वेश्चन होता है क्वेश्चन थ्री से सिक्स तक और सिक्स में भी ऑप्शंस होते हैं तो दुनिया भर के तो ऑप्शन हो गए क्वेश्चन कितने कितने नंबर के तीन तीन या चार चार फिर एक क्वेरी आती है बच्चे की मेरे पास बेटा आज ऑडिट हम पढ़ेंगे आराम से ठीक है पहले हम अपने आप को एक जान लें, थोड़ा सा माहौल ब्रेक कर लें, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ठीक है कंचन मुझसे पूछती है, कंचन प्रजापति बैठी हमारे सामने, कि सर मैंने कहा हाँ जी कंचन बताओ मनीष कह रहा है लप्पू सा सचिन है साले मनीष मारेगा तेरे को साले आके यहां पे आ गए तो सचिन सुनिएगा तो कंचन जी मुझसे बोलती है कपिल सर एक बात बताओ मैंने कहा पूछो सर ये कितना लिखे आंसर में मन में आता है कि कितना लिखे इस क्वेश्चन का आंसर में कितना आप प्रिया आपके मन में आता है आता है आप सबके मन में भी आता है? मैंने कहा तेरे को कितना आता है <laughs> कितना आता है तुमको भाई सर नहीं आता है बात ही खत्म आपको जितना आता है आप लिखिए अगर आपको सही आता है तो नहीं आता है तो लप्पे मारने की जरूरत नहीं है उसके बाद एक जनरल रूल बता रहा हूं आज आपको मैं जनरल अगर कोई थ्री मार्क का क्वेश्चन आपके पेपर में आया है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसमें कितने पॉइंट लिखें पांच कितने फाइव पॉइंट आपने कोई लंबे लंबे छोड़े छोड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं आपने सिंपल एक बेसलाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद आपने वन टू थ्री फोर फाइव पॉइंट्स लिखने की कोशिश करनी है अगर आते हैं तो नहीं आते हैं तो तीन भी लिखोगे चलेगा मतलब अगर आप एक होते हैं ना तीन तो आते हैं चौथा याद नहीं आ रहा एक काम करता हूं कुछ भी लिख देता हूं सर ने क्या बोला था पांच लिखने ऐसा मत करना तीन आते हैं तीन ही लिखना ठीक है तो एक स्टैंडर्ड जनरल रूल आप अपने लिए समझ सकते हैं मैं देखो पेपर पैटर्न को कैसे अटेम्प्ट करना है वो पहली क्लास में बता रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में चलते रहते हैं अदरवाइज एमसीक्यू में कितना लिखना है वो जानना है <laughs> नहीं कुछ, कुछ, कुछ उसमें बता दो कितने डॉट करने हैं <laughs> एक ही करना है करेक्ट इन करेक्ट में दो पैराग्राफ बनते हैं जनरली तीन तीन लाइन के दो पैराग्राफ थ्री मार्क के क्वेश्चन में आप फाइव पॉइंट्स लिख देंगे तो बहुत अच्छी बात है फोर विल आल्सो वर्क और फोर मार्क के क्वेश्चन में जितना भी नंबर का क्वेश्चन है दो पॉइंट ऐड कर दो ठीक है भाई सॉर्टेड सर ऑडिट का पेपर प्रेजेंटेशन बता दो प्रेजेंटेशन कोई प्रेजेंटेशन नहीं है सिंपल पॉइंट बना के आपको अपने आंसर लिखने हैं स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन है कोई बट आपको देखना ही नहीं है सोचना ही नहीं है क्लियर है जी लो में आप, आपके सिलेबस में तो लो भी है ना फाइनल में चला जाएगा फाइनल में आई से का बहुत हो गया सही है उस टीचर से पूछो जिसका सब्जेक्ट चला गया ईआईएस चला गया पता है आपको बच्चे भंगड़ा कर रहे हैं कुछ घरों में हम मातम में गए हैं पता है तुमको हाँ एक्चुअली में क्यों क्योंकि सब्जेक्ट ही चला गया अब वो कुछ भी पढ़ा रहे हैं हाँ आज भगवान करे ऑडिट चला गया मैं पता है क्या करूंगा बताओ मैं तुरंत केपीएमजी वापस जाऊंगा मैंने कहा वापस ले लो आप मुझे मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ाऊंगा कभी भी पता चले मैंने चालू कर दिया क्या पढ़ा रहे हो मैं कोस्टिंग पढ़ाऊंगा आशीष कल रसल कह मैं क्या करूंगा मैंने कहा छोटा चेतन <laughs> आप बड़े चेतन ये छोटा चेतन आपकी छुट्टी जब होगी तब मैं पढ़ाऊंगा बेटा पेपर पैटर्न समझ आया सबको बहुत ही बेहतरीन पेपर है दो घंटे में पूरा अटेम्प्ट कर दोगे अगर आता है तो कितने घंटे में जी दो घंटे में तीन पॉइंट लिखने में कितना टाइम लगता है तीन मिनट हार्डली तीन मिनट ठीक है जी कोई भी क्वेश्चन है दिल खोल के पूछेगा माइक है भाई हमारे पास आईटी टीम निवास भाई लाइव वाले आप भी पूछ सकते हैं बट आप कोशिश कीजिएगा ना पूछें क्योंकि यहां बहुत सारा क्राउड है वो पूछ लेगा हाँ जी लव आर्या बेटा ये लव हटा दे आर्या ठीक है एक तो पता है यूट्यूब पे ये जो बच्चे देखते हैं हालांकि क्लास स्टूडेंट है सारे ये अपने नाम पता नहीं कहां एक बंदे ने नाम लिखा हुआ है कॉमर्स वॉरियर और एक वंदना सिंह है उसने v कैपिटल फिर a स्मॉल n स्मॉल d और a कैपिटल na बेटा किसी वास्तोशास्त्र में लेके आइए हाँ जी कोई क्वेरी आप लोगों की प्लीज पूछेगा जो भी आपको सब्जेक्ट क्वेरी जाननी है दे सकता लेना प्यार करवा दूंगा ये गारंटी है क्योंकि भाई मैं सब्जेक्ट ना दिल से पढ़ाता हूँ कहां से पढ़ाता हूं किताब भी नहीं ओपन करता मैं जब कंसेप्ट पढ़ाने आता हूं आपने पता नहीं मेरी कितनी वीडियोस देखी हुई है आप बाकी देख लेना सबका पढ़ाने का पैटर्न मेरा पढ़ाने का पैटर्न यह है कि सिर्फ हम बातचीत करते हैं एक घंटे धुआंधार मस्ती करते हैं और एक घंटे के बाद बोलता हूं मैं बेटा आप कहते हैं ये कब हुआ साला ऐसे चलता है हमारा ऑडिट ठीक है इसलिए मैं बोलता हूं मस्ती मस्ती में ना सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा थियोरिटिकल बिल्कुल भी नहीं है दिमाग में अगर है ये कि पेपर है हमारा बिल्कुल प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो मैं प्रूव कर दूंगा अगले दस लेक्चर में जी कोई क्वेरी और ये मत करना कि कुछ पूछो ही ना हमेशा कुछ ना कुछ जरूर पूछो आज की क्लास में फर्स्ट क्लास में यू आर फ्री आप सब्जेक्ट रिलेटेड अदर किसी भी चीज से रिलेटेड आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हो निवास भाई अरे ऋषभ कहां थे तुम साले एडमिशन दिलवा दूंगा सीए कोर्स में फिर यहीं बैठेगा माइक का है, माइक। हाँ जी कोई क्वेरी कोई पूछना चाहेगा अरे पूछ लो यार ऐसे ना करो नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगा पूछ लो सर पता तेरी बंदी का नाम नहीं बनी नहीं रही साले ये बोल बनी नहीं रही मैं बंदी बनवा दूंगा फिर अगला काम फिर तू कहेगा सर सरप्राइज गिफ्ट क्या दू और मैंने पहले ही बता दिया था मैं लव गुरु हाँ जी क्वेरी कोई हाँ जी हाँ जी बेटा पीछे जो फायर एस्टिंग के पास बैठे हैं आप ही की बात कर रहा तेरी बात कर रहा तुम्हारी हा, आ, हाथ ऐसे ही लाओ पहले तो मैं देख लू मेरी नजरे सही बच्चे को टारगेट कर पा रही है क्या बहुत सही एक ही बार में आप समझ गए कि मेरे को ही बोल रहे हैं आप आप इतना दबे हुए हो कि सिर्फ टाट देख पा रहा हूँ आपकी तो आप मेरे को देख पा रहे हो हाँ भाई देख पा रहे हो ऐसे हिला दो हाथ हाँ देख पा रहे हो ठीक है क्या देख पा रहे हो मुझे नहीं समझ आता हाँ जी कोई क्वेरी बेटा पूछ लो यार कुछ तो पूछो आज कुछ भी कोर्स आर्टिकलशिप रिलेटेड हाँ जी माइक आगे दीजिएगा श्रिया, श्रिया भाटिया जी को आप माइक दीजिएगा प्लीज अच्छा लगता है ना नाम के साथ सीए देखने हाँ जी ओने माइक घंटा ओने <laughs> अच्छा आवाज तो आ रही <laughs> वो जो आपने दो रजिस्टर बनाने को बोले हैं वो कितने वो कितने थिक बनाने <laughs> तीन सौ तीन सौ पेज के क्वेरी रिपीट नहीं कर रहा मैं आगे चलो और कोई क्वेरी थ्री हंड्रेड पेजेस के आपको दो रजिस्टर बनाने हैं हाँ जी हाँ जी बे बेटा ऐसे ही पूछो माइक आएगा तब तक तो हाँ सब लोग है ना साइलेंस हाँ जी मेजर नहीं है बेटा माइनर है ओल्ड एग्जिस्टिंग स्कीम और न्यू स्कीम में कोई चेंज है बिल्कुल है जी बहुत ही माइनर चेंज है इस क्लास में दो से तीन लेक्चर ऐसे बनाऊंगा जितने ओल्ड स्टूडेंट है मेरे उनको देने के लिए तो आप खुद गैस कर लो कि कितना चेंज है कोई चेंज नहीं है टेक्निकली तो माइनर चेंज है टोटल थ्री आर में मैं पूरा सब बता दूंगा कि क्या चेंज है ज्यादातर चीजें रिमूव हुई है एड कम हुई है वो दोबारा फीस देना चाहे मैं लेने के लिए तैयार हूं जिन्होंने पहले लिया हुआ है और अगर आपको ये माहौल में बैठना है आओ ना बैठो यार हमने इसीलिए कम फीस रखी है ना फास्ट ट्रैक नहीं रेगुलर ही लेना पड़ेगा आपको ले सकते हो फास्ट ट्रैक लेकिन आप ना जाओ आप ठीक है हाँ जी एक सेकंड में उधर ही आ रहा हूं ठीक है क्या कह रहे हो भाई आर्टिकलशिप के पर्पज में ऑडिट आगे तो बोल कुछ ए, एक सेकेंड भाई मैं क्वेरी तो सुन लूटि आऊंगा वो तो सब्जेक्ट में कवर है सब हाँ जी ऑडिट इतना इजी है हाँ ऑडिट एक इजी सब्जेक्ट और इसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हाँ ये क्वेरी है सर ऑडिट इतना मजेदार सब्जेक्ट है जिसको हम दिन में तीन बार क्या क्या बोलने वाले हो आई लव यू दिन में तीन बार क्या बोलोगे आई लव यू देख रहे कैसे आई लव यू लेकिन फिर भी इसे मार्क्स कम क्यों आते हैं मैं बताता हूं क्यों आते हैं क्योंकि hmm. आप डबल डेटिंग करते हो oh. सुनो क्यों कम आते हैं होता क्या है जो ज्ञान मैंने आपको आज बिगिनिंग में दिया था ना कि इन 90 डेज के बाद आपको एक चीज फॉलो करनी है क्या 15 20 मिनट्स डेली पढ़ना आपको ना अकाउंट्स की इतनी आदत लग गई है 11th से स्टार्ट हुआ था वो नशा आपका 11th में 12th में फाउंडेशन में फिर उसके बाद और अब तो आप ऐसे पीने लगे हो उसको मतलब वो घस के ना ऐसे भी नहीं करना अकाउंट समझेगा आ oh. चौबीस घंटे पढ़ रहे हो क्या अकाउंट्स फिर फर्स्ट ग्रुप में दो सब्जेक्ट थे हैं, क्या टैक्सेशन, वो आके मेरे से पहले आपको नशा दे देते हैं और वो सब्जेक्ट आपको लगने लग जाते हैं अच्छे क्यों क्योंकि क्यों, क्यों, उनके सम आपके हाथ से सोल्व हो रहे हैं अब आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते इंटरेस्ट बिल्ट हो गया आपका दूसरा वो पहले ग्रुप में सब्जेक्ट एक बच्चा ना हमेशा एक डाउटफुल सिचुएशन में रहता है सेल्फ डाउट करता है बताना भाई अगर मैं गलत बोल रहा हूं क्या कि मैं कर सकता हूं या क्या मैं दोनों ग्रुप कर भी पाऊंगा या अरे भाई पहले आठ सब्जेक्ट थे आज पांच हैं, ठीक है ठीके? कौन सा कम हो पांच ही तो हैं। एफ एम कोई सब्जेक्ट है ऐसे है, है गलत बात हाँ तो क्या हुआ मजे हैं मजे करो पचास नंबर का एस ऐसे अरे भाई छोड़ो अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा पचास नंबर का ऐसे में आप पांच दिनों प्रिपेयर कर सकते हो करने वाले हो तो एफ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट नहीं है तो, तो चलते फिरते आप कर लोगे यार उसको उसमें आप नंबर ले आओगे हंड्रेड मार्क्स पचास का ऐसे में तो है <coughs> सुनिएगा एक्चुअली क्या है ना ऑडिट आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो और बाद में छोड़ देते हो क्लासेस के बाद तो ये सब्जेक्ट से आपकी ग्रिप लूज हो जाती है और आप माँ कसम एक बात बोलना चाहूंगा डरा नहीं रहा इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज ऐसी है कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे भी कहेंगे साला क्या लिखा है क्यों लिखा है समझ रहे हो लैंग्वेज डिफिकल्ट है टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है तो आप एक टाइम के बाद आपको लगता है यार बाद में कर लूंगा बाद में कर लूंगा बाद में कर लूंगा बाद में कर लूंगा आप इस सब्जेक्ट को बाद में करते हो और उन सब्जेक्ट पे लगे रहते हो तो जिस पे आप मेहनत करते हो स्कोर 90 प्लस मार्क्स और जिन में आप मेहनत नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप सिर्फ पास हो जाते हो। कि में कम स्कोर करते हैं लेकिन अगर आप देखेंगे उन्होंने भैया अपने टीचर की बात को फॉलो किया है माना है नाइन्टी नहीं मानते सिर्फ पांच दस बच्चे हैं जिनको लगता है भाई जो सामने वाला बंदा बोल रहा है मान लो उसकी बात आप अपने टीचर की बात सिर्फ और सिर्फ पांच से फाइव टू टेन परसेंट स्टूडेंट अपने टीचर की गाइडेंस को फॉलो करते हैं उससे ज्यादा स्टूडेंट को लगता है टाइम नहीं है कर क्या रहा है पूरे दिन मुझे पता नहीं उसको कच्चा बदाम को देखने के अलावा भाई रीले देखते हो भाई कितने बच्चे रीले देखते हैं। सही बताने ईमानदारी से अभी कोई हाथ नहीं उठाएगा मैं तो रीले नहीं देखता अरे मैं नहीं छोड़ता तुम तो हो ही क्या चीज देखते हो देखते हो ना भाई उस पर टाइम खराब होता है हाँ भाई अभी और भी क्वेरी है कहाँ हाँ हाँ तुझे माइक की जरूरत है बोल सर के सब्जेक्ट में नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट हाँ इसीलिए दो रजिस्टर लगवाए हैं आपके एक आपके डेली राइटिंग प्रैक्टिस के लिए दूसरा जो रजिस्टर है उसमें आपको नोट्स बनाने हैं ठीक है खुद से वो मैं बताऊंगा कैसे बनाने हैं हाँ जी कोई और दूसरी क्वेरी लाइव वालों आपकी कोई क्वेरी है सर हमारी कोई क्वेरी नहीं आप मजे करो बस चले बेटा हाँ जी कुछ और पूछना है तो पूछ लीजिए फटाफट से हां जी कोई क्वेरी नहीं है किसी की चलो फिर स्टार्ट करें सब्जेक्ट को फाइनली लो जी ये रिलायंस बेटा ऑफिशियली नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर सब्जेक्ट ठीक है ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है आपको ठीक है जी ये रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट है एक फाइनेंशियल्स होते हैं एक ऑडिट रिपोर्ट होती है एक होती है एनुअल रिपोर्ट दिस इज एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस अगर आप इसको पढ़ेंगे कभी टाइम निकाल कर तो आप देखेंगे इसके बारे में ना डिटेल में कंपनी के बारे में दिया हुआ है सब कुछ कंपनी का बैकग्राउंड क्या है कंपनी के गोल्स क्या है कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या है कंपनी की प्रोजेक्शन क्या है प्रोजेक्शंस प्रोजेक्शन Projection मतलब फ्यूचर वो सब क्या है कंपनी किन कंपनीज में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रही है किन में इन्वेस्ट कर चुकी है किस में से डिवेस्ट कर रही है वो सब यहां पे डिटेल में इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिया है आप अगर इस एनुअल रिपोर्ट के पेज नंबर 308 पे देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिए हैं और यहीं पे ही हमारी क्या दी होती है बेटा

मैं जनरली अपनी क्लास को थोड़ा सा हाई लेवल से स्टार्ट करता हूँ कंसिडरिंग आप बच्चों को काफी चीजें पहले से पता है लेकिन एक बच्चे की क्वेरी थी इसलिए मैं वापस से थोड़ा सा नीचे से जाके स्टार्ट कर रहा हूँ अदरवाइज मैं क्लास थोड़ी सी हमेशा ऊपर से स्टार्ट करता हूँ बाकी बातें बीच में कवर कर लेता हूँ आप मुझे बताइएगा और प्लीज पार्टिसिपेट कीजिएगा बिना पार्टिसिपेशन के आपको मजा नहीं आएगा इस सब्जेक्ट में आप मुझे बताइएगा ये ऑडिट क्या है कुछ भी बोलिएगा जो दिमाग में आ रहा हो कोई मेरे को टेक्निकल नहीं जाना थ्री की जिप वाला सीन चाहिए मुझे यहाँ पे बस आपने मुझे मतलब बताना है कि आपके दिमाग आपके हिसाब से क्या है जी बेटा बेटा क्या समझते हो आप ऑडिट से चेकिंग करना चेकिंग करना करना किसको फाइनेंशियल को को ठीक ठीक है है वो कह रहे बैठो आईसीआई की बुक ओपन नहीं करनी है सिर्फ आपने मेरा कंटेंट देखना है बाद में मैं खुद से ही कंपेयर करवा दूंगा या जब सिलेबस कंप्लीट हो तब आप करना पहले करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आईसीआई ने रायता फैलाया है आईसीआई ने बेटा बहुत सारा रायता फैला रखा है हमने उस चीज को समेट रखा है तो अगर आप आईसीआई की बुक्स पहले उठाओगे दिक्कत हो जाएगी आपको हां जी और कोई बताएगा हाँ जी हाँ जी लास्ट इंडिपेंडेंट ओपिनियन देना आप बेटा जो हाँ लास्ट में बैठे हैं फाइनेंशियल्स को चेक करना ये देखने के लिए कि कंपनी फॉलो प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रही है या नहीं ठीक है आप किसी चीज को रिव्यू करना ठीक है रिव्यू करना आप सही हो किसी चीज को रिव्यू करना वो चीज कुछ भी हो सकती है और कोई बताएगा कुछ हाँ जी बताओ बेटा बोलो आवाज आ रही है तुमने माइक बोला मेरे तक आ गया हाँ ले लो भाई ले लो चेक करना कि जो कंपनी बता रही मेरे इतने मर्चेंडाइज है ये है ये है वो तो चेक करना कि वो सही में है उनके पास कि नहीं है दोबारा बोलो एक बार स्टेटमेंट जैसे कोई कंपनी बोली मेरे पास दस हजार बिस्किट है दस हजार बिस्किट है बिस्किट है तो और कुछ नहीं मिला चेक करना कि उसके पास कि उनके तो पास एक्चुअली में वो है या है कि नहीं है बिल्कुल सही बोला आपने बैठ जाइए बिल्कुल सही बोला है लेकिन आपने हाँ बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्क्रूटनाइज करना ये देखने के लिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुए हैं या नहीं और कोई हाँ जी कंपनी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है नहीं किसका financial का हा जी आप कुछ बताओगे भुवाना मैंने कहा था ना मेरे को वो थ्री डेट की जिप वाला आंसर चाहिए आप आप बुक किस लैंग्वेज दे रहे हो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन वेदर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड पर द प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स और रूल्स ये पता चल रहा है कि आप किताब से देखकर लिख रहे हो या आप पढ़कर लिख रहे हो हाँ जी कहां पे हो आप अच्छा हाँ ये बढ़िया था क्या कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई घपलेबाजी तो नहीं इधर आ घपलेबाजी देखो कहा घपलेबाजी हाँ जी अब मैं खुद से पूछूंगा हाँ बताओ तुम भी इधर आओ कहा से इधर ऊपर आना ऐसे नंबर बाद में बताना अपना मोबाइल नंबर कंट्रोल सही से बने इन्होंने अलग ही निकाल दिया हाँ जी बेटा आप सही है सही है फाइनेंशियल सही हो, कंट्रोल सही लग रहे हो आ जाओ इधर ठीक है अब मैं खुद से पूछ लू खुद से पूछ लू आप बताओगे कुछ आप जैसे मैं पूछूंगा आप बेटा आप क्या समझते हो ऑडिट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवरव्यू करना कि वो सही है या नहीं है हाँ बेटा बताओ भाई माइक दो उनको यार भाई बड़े बाल इधर आना अरे स्मार्टी इधर आओ यार बंदा बॉडी पे काम कर रहा है यार क्या समझते हो ऑडिट से ऑडिट से कौन से हरियाणा के कौन से गांव से आये हो एक ही बात है राजस्थान में कहां से क्या बात है बहुत बढ़िया हाँ। दोबारा बताओ क्या है ऑडिट

पांच मिनट बाद दोबारा आ सकते हो मुझे आप चारों की जरूरत पड़ेगी अभी आप बैठ के सुन लो क्योंकि कई बार ना खड़े होते हैं ना तो दिमाग कहीं और चला जाता है फिर तो दिमाग ही रहता है मैं कैमरे में लग रहा हूं। तो आप पांच मिनट बाद दोबारा आ जाना यहीं कहीं अपनी जगह ढूंढ लो मैं एक बेसिक बात डिस्कशन कर लेता हूँ देन आई विल कॉल यू अगेन ठीक है तुम चारों को ही अब आप मुझे बताओ कि आपने कहा ऑडिट का मतलब यह है किसी भी चीज को चेक करना ठीक है जी हाँ ओ मैं तो रह गई सर मैं भी तो आगे आऊंगी चार अकेले हाँ बेटा बताओ माइक काम नहीं कर रहा आपका तो तुमने सारी तेज बोल दिया क्वेरी बोल दो क्या नया आंसर भी है ना ऑडिट मतलब किसी भी चीज को चेक करना आगे आ जाओ तुम आगे आ जाओ आगे आ, आ, आ जाओ बेटा तब तक हम डिस्कस करते हैं कि यार ऑडिट का मतलब किसी भी चीज को चेक करना पार्टिसिपेट कीजिएगा अब किस किस चीज को चेक करें शादी में जाके भी हम काफी चीजें चेक करते हैं पहले मिठाइया स्नैक आइटम आप आप किस किस चीज को चेक कर सकते हो बताओ किस किस तरह का ऑडिट हो सकता है बताओ जी हां जी नंबर वन टैक्स ऑडिट अब अपन थोड़ा सा एड ऑन करते रहेंगे टैक्स ऑडिट क्यों करवाया जाता है सरकार करवाती है भाई मोदी साहब कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों हम इंडिया चोर देश है जो लोग धंधा कर रहे हैं वो टैक्स की तो ऑडिटर साहब मैं आ गया पिक्चर में मैंने कहा हाँ जी मोदी जी बताओ अरे इन सबका क्या करो तुम टैक्स ऑडिट करो मैंने कहा कर देंगे टैक्स ऑडिट कर देंगे हमने एक ऑडिट किया किसके लिए टैक्स ऑडिट किया किसके लिए सरकार के लिए पर्पस क्या रहा इसका कि जो बिजनेसिस हैं उन्होंने अपना पी एंड एल अकाउंट अपने फाइनेंशियल सही तरीके से बनाए और उनका टैक्स कॉम्पिटिशन ठीक है सरकार को सही पैसा जमा करवाया गया है जिसको आप जीएसटी के फॉर्म में जानते हो और इनकम टैक्स के फॉर्म में जानते हो शायद आप पढ़कर आए हो नहीं भी पढ़कर आए हो मुझे चलेगा दूसरा ऑडिट स्टैचरी ऑडिट स्टैट ऑडिट एक्सटर्नल ऑडिट एश्योरेंस एंगेजमेंट अभी इसको तो डिस्कस कर लें जैसे वो क्या अब यह स्टैट ऑडिट क्या है कंपनी अपने फाइनेंशियल बनाती है बनाती है मैंने क्या बोला कौन बनाती है आपने लो में एक चीज पढ़ी होगी कि जब फाइनेंशियल बन जाते हैं उस फाइनेंशियल को क्या करना पड़ता है अप्रूव करना पड़ता है कौन करता है बेटा किसने बोला था ये रुक जा कौन करता है अप्रूव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तूने शेयर होल्डर बोला था आराम से बेटा इतनी जल्दी बात नहीं अपन आराम आराम से चलेंगे अभी तो कौन करता है अप्रूव मैनेजमेंट सिंपल भाषा में बात करूं आपने को यहां है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन अप्रूव करता है इस अप्रूवल का मतलब क्या है लो में बताया आपने लो नहीं पढ़ा अभी तक आपके फाइनेंशियल बन गए कंप्लीट फाइनेंशियल में क्या क्या होता है बैलेंस शीट पी एंड एल नोट्स टू अकाउंट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट्स चेंज इन इक्विटी फलाना धमकाना पूरा बन गया आखिरी में मैनेजमेंट सी और कंपनी सेक्रेटरी क्या करेंगे अपने इस साइन का मतलब क्या है एक सेकेंड सब बोलेंगे तो मेरे को कैसे समझ आएगा क्या मतलब है कि वो स्टेटमेंट सही है हाँ जी बेटा जी क्या मतलब है आपका उनकी तरफ से स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है हाँ भाई सब कुछ कंप्लीट है मामला सेट है हाँ जी पाजी खड़का दो अरे बताओ मैनेजमेंट साइन कर रही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बोलना चाह रही है साइन करके हमारी तरफ से सारे फाइनेंशियल सही है ठीक है भाई यही बोल रही है मैनेजमेंट पीछे वालों एग्री करते हो अभी तुम्हें ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हारे साथ तो पीछे वालों एग्री कर रहे हो भाई तुम ऐसे ही ला दिया अगर मैं समझ जाऊंगा तो भैया मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल साइन कर दिए किसने बनाए मैनेजमेंट ने बनाए साइन किसने किए अपनी कंपनी के फाइनेंशियल बनाए और साइन कर दिए भैया ये फाइनेंशियल हमारे तैयार हैं जी ठीक है अब इसको फाइल कर दो फाइल कर दो बीच में एक रोल आता है रुक जाओ भाइयों फाइल मत करो इसे दीज आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ये गलत बनाए हो हम क्यों गलती करेंगे भाई साहब तुम्हारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ही क्या जिसमें हम गलती कर देंगे हमें पता है डेबिट कब करना होता है क्रेडिट कब कर उसमें भी हम गलती कर देंगे ऐसा लग रहा है आपको कि कोई अकाउंटिंग एंट्री जनरल एंट्री गलत पास कर सकता है फिर कैसे गलती कर देंगे फिर क्या हो सकता है कि जिसकी से सरकार कहती है रुको, इस को पहले आप चेक करवाओ क्या चेक करवाए कि सही बने कह रहे हमने साइन कर तो दिए इसका मतलब तुम्हारे साइन की कोई भी वैल्यू ये तुमने तो साइन इसलिए करवाए कि पहले तुम बोल दो कि हमने सही बना दिए पता चले तुमसे साइन करवाया नहीं मैंने मैंने कहा भाई इधर आ ये चीज तुमने गलत क्यों कर रखी है हाँ तो अभी मैं कर रहा हूं ना।, हाँ या ना मैंने कहा तुमने एंट्री गलत पास कर कर दी तो मैं भी कर रहा हूं ना अभी मैंने किया नहीं है वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है क्या हो सकता है नहीं हो सकता है बताओ सब तो मैंने कहा एक काम कर भाई पहले तुम साइन करो जब तुम साइन कर दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी साइड से क्या है और अब मैं अपना काम स्टार्ट करूंगा इसको ऑडिट करने का इसको चेक करने का चेक क्यों करवा रहे हैं क्योंकि आप इसके अंदर क्या कर सकते हो फ्रॉड कर सकते हो फ्रॉड समझते हो कैसे कैसे फ्रॉड करेगा कोई आपने हैंड रेस करके जोर से आंसर देना अदरवाइज मुझे सुनेगा नहीं पीछे वालों हाँ बेटा कैसे मनी लॉन्ड्रिंग कर सकते हैं कैसे कोई एक एग्जांपल दे मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे मेरे को एग्जाम्पल दे जैसे ऐसे हुआ था वो नहीं मेरे को एक एग्जाम्पल दे कुछ भी बना दे तू अपने मन से हां बात तू मार नहीं पाया छक्का खर्चा ज्यादा दिखा अरे छोटे छोटे लाओ ना मैंने कहा ना ज्यादा दिमाग मत लगाओ शुरुआत है हल्के हल्के एग्जाम्पल दो भाई ने बिल्कुल सही कहा खर्चे ज्यादा दिखा देंगे ये फ्रॉड है क्या क्यों करेंगे वो ऐसा अरे एक साथ बोलोगे तो डर लगेगा मुझे हाँ टैक्स बचाने के लिए और दूसरा एग्जाम्पल इनकम ज्यादा दिखा सकते कैसे हैं? हाँ। नकली सेल करके ना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है तालियां बजाएंगे बच्चे के लिए अपना पेपर ऊपर उठाना है ऐसे नहीं लिखा तालियां बजा दो चलो बोगस रिवेन्यू बुक कर कर बोगस रिवेन्यू मुझे किसी की परमिशन लेनी है क्या फॉर एग्जाम्पल मैं रक्षिका का नाम डाल देता हूं ठीक है रसिका है है? चार्टी को हमने पांच करोड़ का माल बेच दिया सेल आ गई डर भी आ गया दोनों लेग मैंने बराबर कर दी ना बेटा ऑडिट में ना रियल लाइफ में लेग वर्ड चलता है तो आप इधर उधर मत जाना लेग का मतलब होता है डेबिट क्रेडिट ठीक है तो एक लेग दो इंपैक्ट देखते हो आप हर चीज का डबल इंपैक्ट होता है तो आपने दोनों लेग का इंपैक्ट बराबर कर दिया कि आपका इन्फ्लेट हो गया क्यों करें हमेशा इन्वेस्टर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए बैंकर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए टू प्रोवाइड लोन्स और दो पांच एग्जांपल पे मैं आगे बढ़ जाऊंगा क्या कह रहे हो भाई नहीं तो मेरे को डायरेक्ट इंपैक्ट बता दे मैं समझ गया इन्वेंट्री में भी फ्रॉड हो सकता है उसका कैसे पर्पस क्या रहेगा भाई इन्वेंट्री को इन्फ्लेट कर दिया सिंपल इन्वेंट्री को क्या क्या इन्फ्लेट कर दिया पर्पस क्या रहेगा जीपी बढ़ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट बढ़ जाएगा प्रॉफिट बढ़ाने के लिए मैं कर रहा हूं डायरेक्टर रेम्यूनरेशन आपके प्रॉफिट बेस होते हैं हो सकता है मैं रेम्यूनरेशन ज्यादा लेना है मुझे तो मैं अपने प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट कर रहा हूं टैक्सेस को रिड्यूस कर रहा हूं किसी तरीके से हाँ जी पर्सनल ट्रांजेक्शन अभी आपने किसी ने ये सुना था भारत भारत ये ग्रोवर कहां का था अपना डायरेक्टर पे का ना? क्या फ्रॉड किया इन्होंने मतलब मैं कोई जजमेंट और कोई अभी वर्डिक नहीं दे रहा पेंडिंग है केस अभी लेकिन क्या किया भाई उन्होंने कर्मकांड किया है ना दोनों हस्बैंड वाइफ ने या नहीं नहीं सर अश्नर कैसे कर सकता है ऐसा लगता है आपको मैं फ्रॉड कर सकता हूं सर yes, तो मैं कर सकता हूं तो अश्निर तो पक्का कर सकता है क्या किया उसने क्या किया बताओ हाँ पर्सनल एक्सपेंसिस बीवी ने कहा चलोगे उसने कहा उसने कहा सिंगापुर उसने कहा चलते हैं चले गए क्यों गए थे एक बिजनेस मीटिंग थी दो डायरेक्टर्स की बिजनेस मीटिंग हो गई ठीक है खर्चा कहा डल गया कंपनी में तो ऐसी बहुत सारी बिजनेस मीटिंग्स हुई हैं अलग अलग कंट्री में फाइव स्टार होटल्स में हुई हैं वो बिजनेस मीटिंग्स और खर्चा कहाँ डाला है एच में बहुत सारे लोग आए हैं कंसल्टेंसी फी पे की गई है उनकी वाइफ के रिलेटिव को अलग कंपनी है खर्चा पे हुआ है ठीक है खर्चा काम बुक हुआ है कंपनीज अकाउंट हमारे बाप का पैसा है बताओ इन्वेस्टर्स का पैसा है

रामालिंगा राजू क्या किया था भाई ने फ्रॉड किया था कैसे भाई ने सात हजार नकली एम्प्लॉय दिखा दिए लेकिन एम्प्लॉय बुक्स में नकली थे वैसे इंसान जिंदा थे बात समझो सात हजार क्या किया उसने अपने दो बेटे थे निकम्मे उनकी कंपनियां बनाई ठीक है सात हजार एम्प्लॉ को हर महीने सैलरी जाती है वो घूम फिर के उस कंपनी के अकाउंट में आ जाती है ठीक है उन्होंने दिखा दिया हमारे पास देखो कितना बैंक बैलेंस है उनके पास घंटा कोई बैंक बैलेंस नहीं था उन्होंने हर एसेट को क्या किया इन्फ्लेट किया रिवेन्यू बढ़ा दिया लाइबिलिटी खत्म ही कर दी लेकिन सर आपने तो भी कहा मैनेजमेंट साइन करती है लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं ऑडिट करते हैं तो ऑडिटर ने क्या किया ऑडिटर ने साइन किया

फेयर व्यू ये उन्होंने यहाँ पे बकायदा अपनी ओपिनियन में यहाँ पे मेंशन किया उन्होंने कि फाइनेंशियल जो है वो सही तरीके से बनाए गए हैं यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है ओपिनियन में उन्होंने लिख दिया लेकिन ऐसा कैसे लिख सकते हैं सर बताओ कैसे लिखा होगा भाई रामालिंगा राजू उसका बाप आज मान लो आप दोनों बैठे हो दोनों से ये बन गए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनके ऑडिट में चला गया एक ने अपनी कंपनी खोली कंपनी बन गई सत्यम वो तो भाई कहता याद है अपने पुराने दिन हम आगे आगे बैठते थे तेरे साइड में वो बैठती थी जो कभी हाथ नहीं तेरे हाँ तो याद तो है भाई याद पुराने दिन याद ना दिला यार चल अब मैंने कंपनी बना ली है सिंस हम दोनों ने शादी नहीं की तुम दोनों ने सो वी आर नॉट रिलेटिव रिलेटिव नहीं है ना कंपनी से पढ़कर आए हो उसे बोलता है कि एक ऑडिटर जो है ना वो रिलेटिव नहीं होना चाहिए वो क्यों नहीं होना चाहिए हम हम बाद में डिस्कस करेंगे कह करें देख दोनों ने शादी नहीं की तो हम रिलेटिव तो तू मेरा ऑडिटर बन जा रामालिंगा राजू ने पीडब्ल्यूसी का पार्टनर पटा लिया उसका पुराना क्या था बेटा दोस्त था वो उस पार्टनर ने क्या किया ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है वो भाई साहब सीए साहब जैसे अब आप समझो आप ऑडिटर हो सत्यम का ऑडिट कर रहे हो उसने क्या किया उनको ना डेटर से पूछना था हमारा एक ऑडिट प्रोसीजर होता है ऑडिट प्रोसीजर का मतलब ऑडिट करने का तरीका तो डेटर को चेक करने का हमारा एक तरीका होता है एक ऑडिट प्रोसीजर होता है जैसे डॉक्टर के अपने ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं ना कुछ भी का ऐसे हमारे ना स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है कि इस काम को आप ऐसे तो मिनिमम करोगे ही करोगे आप ज्यादा कर लो चलेगा कम तो एक हमारा प्रोसीजर होता है आप डेटर से बात करो

उन्होंने लिखा मार असाइन करके किसको दे दिया ऑडिटर को और ऑडिटर ने उसको किस में लगा लिया अपनी फाइल में और साइन कर दिया कि भैया सब कुछ कोर्ट में जाता है केस यहाँ ऑडिटर साहब खड़े हैं देख रहे हो फील करो मैं वही ऑडिटर हूं हाँ जी आपने अपना ऑडिट कैसे किया जी मैंने अपना ऑडिट बढ़िया तरीके से किया है कैसे किया है सर मैंने हर एक एरिया पे काम किया पूछ लो मैंने कहा डेटर कैसे वेरीफाई की देखो कागज इनसे साइन करवाया है बकायदा मैंने अपना काम एक बात बताओ कोर्ट में उस आदमी को मुर्गा बना के मारना चाहिए नहीं मारना चाहिए मारना चाहिए ना तो ऑडिटर ने अपना काम सही से उसके साथ मिला अभी इंडियन है अगर मैं इसको बोलूं पांच हजार करोड़ मिलेंगे तो साइन कर दे साइन गए पूरा माथा भी लगाएगा हाथ भी लगाएगा कितने साल की जेल होएगी कर दो आया ना बाद में आके हम अपना याशी करेंगे दोबारा सीए चाहिए ही नहीं हमें हमारे साथ तो उसने भाई ने इस तरह से फाइनेंस आपको पता है सत्यम का फ्रॉड पकड़ा नहीं गया था कभी डिस्कस किया ये सत्यम का फ्रॉड कभी पकड़ा ही नहीं गया कैसे हुआ रिवील खुद से बंदा खुद से ही आ गया कह रहा भैया हमने ऐसे जहाज उड़ा दिए जिसको रोकना पॉसिबल हम खुद ही बता रहे हैं लेकिन वो उसने खुद भी ये डिक्लेयर कर दिया कि अब इसको खत्म कर पाना बेसिकली हर कोई चाहता था फाइनेंशियल ठीक हो जाए Management, वो खुद भी चाहते थे कि भाई इतनी उड़ान भर ली, कुछ तो सही कर दे, वो कह रहा, हम इतनी भर चुके हैं कि नीचे आ ही नहीं सकते कंपनी खत्म तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट बहुत जरूरी है जब भी कोई फाइनेंशियल फाइलिंग में जाते हैं उससे पहले हर कंपनी को करवाना क्या है डेट्री बस एक बात याद रखना कुछ बच्चे नहीं में के आते हैं। पेपर में क्वेश्चन तो आंसर क्या करके आता है स्मॉल हर कंपनी को अपना ऑडिट करवाना मैंडेटरी yeah. है स्मॉल प्रोपराइटरशिप पार्टनरशिप इनके लिए ऑप्शनल है आप करवाना चाहो करवाओ नहीं करवाना चाहो सर और कोई एग्जाम्पल दो ऑडिट क्यों मैंडेटरी है भाई साहब एक बार फ्लेक्स पोलिफिल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नोएडा में एक आई ने मिलकर स्टार्ट की पैकिंग मटेरियल बनाता है आशीर्वाद आटा ये सब खाते हो आप उसकी थैली वो लोग बनाते हैं हम लोग ऑडिट पे गए एक कंसेप्ट होता है डेप्रीशियशन सुना है आप लोगों ने इसका एक बाप कंसेप्ट आएगा क्या इंपेयरमेंट सुना है कोई बात नहीं बाद में समझाएंगे हमने उनका इंपेयरमेंट चालू कर दिया वो कह रहा है भाई इम्पेयरमेंट क्यों कर रहे हो डेप्रिशिएशन इज नॉर्मल वियर एंड टीयर की वजह से जो आप डेप्रीशन लगाते हो इम्पेयरमेंट होता है जब हम हाँ, आप ये बोल देते हो कि भाई आपसे नहीं हो पाएगा तुमसे ना हो पाएगा हम तुम्हारी कंपनी की एसेट को क्या कर रहे हैं खत्म कर रहे हैं क्योंकि तुम इसका पैसा रिकवर उन्होंने कहा भाई साहब इम्पेयरमेंट क्यों कर रहे हो ठीक है जी हमारे हिसाब से होना चाहिए था हमने प्रोसीजर स्टार्ट किए मैंने अपने पार्टनर से पूछा

बातचीत है आपने उनको पूरा पैक कर रखा है तो हो सकता है अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूं और आप मुझे बोलोगे अरे कपिल बाबू ये ऑडिट प्रोसीजर छोड़ दो यार नहीं छुट पाएगा भाई तू तो मुझे रिश्वत दे देगा मैं किसको दूंगा क्योंकि तेरे बाद मेरा क्या होना है मेरा काम कैसे फाइल हो जाएगा भाई हमारा चार बार रिव्यू होता है तो मेरा काम तीन लोग चेक करेंगे मैं उनको क्या बोलूंगा क्यों नहीं किया फिल ले रहे हो

लेकिन उनकी एक ही कंडीशन थी इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के अंदर वो कंडीशन क्या थी कि तुम्हारा ऑडिट ना इससे होना चाहिए क्योंकि हमें बाकी किसी दूसरे पे विश्वास तो इसलिए उसने अपने कपड़े खुद ही फड़वाए थे तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इन्वेस्टर का ना ऑडिट के ऊपर बहुत ट्रस्ट होता है और ऑडिटर कौन है ये भी बहुत बड़ा मैटर करता है तो ये हो गया स्टैट ऑडिट दूसरा फर्स्ट हो गया टैक्स ऑडिट तीसरा कॉस्ट ऑडिट स्ट ऑडिटर हमारे हमारे भाई कंपनी कहती है जी अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो इनमें हो तो आपको अपना ऑडिट भी करवाना है क्योंकि ऑडिट से भी आपके फाइनेंशियल क्या हो सकते हैं की वजह से भी आपके फाइनेंशियल क्या हो सकते हैं इन्फ्लेट हो सकते हैं और आप फाइनेंशियल को चेंज कर सकते हो कोस्ट ऑडिट करना होता है इंटरनल ऑडिट इंटरनल क्या है इंटरनल ऑडिट कोई एक स्टूडेंट हैंड रेस करके बताएगा इंटरनल ऑडिट क्या है हाँ जी कंपनी के अंदर की सारी चीजें चेक की जाती है दैट इज इंटरनल ऑडिट और कोई एग्जाम्पल से बताओ तो ये इंटरनल ऑडिट है राइट ये कह रहा है कि मान लो ये क्लासरूम है इस क्लासरूम में एंट्री के टाइम पे कौन कौन क्लास के अंदर आ रहा है कैसे आ रहा है क्या प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो अगर इसको कोई चेक कर रहा है तो वो क्या है आज आप नीचे से ऊपर आए हो किसी ने आपसे पूछा होगा आपका नाम, ओके okay, जाओ, ठीक है तिवारी जी तो आप ऊपर आ गए दिस इज नॉट ऑडिट दिस इज प्रोसेस ये क्या है एक प्रोसेस है दैट प्रोसेस कैन बी गुड और वो इनएफिशिएंट प्रोसेस भी हो सकता है एक बच्चा कहेगा हमने तो किसी से ने तो चुपचाप आ गए ऊपर पीछे वाले गेट से दूसरा कहेगा मैं तो पंद्रह क्लास देख के निकल भी जाऊंगा कोई ना पकड़ पाएगा यहाँ पे समझ आ रही है बात समझ आ रही है मेरी बातें तीसरा कह रहा है पहले ना एक क्लास होती है मैंने उसकी फीस तो दे रखी है मैं उठ के जाता ही नहीं उसके बाद अगली होती है आप फील कर रहे हो सर आप कैसे बता रहे हो मैं भी तो यही करता था समझ आ रही है बात तो प्रोसेस कैन बी इफेक्टिव ये प्रोसेस है लेकिन अब भैया सोचो इस चीज का इंपैक्ट किसको पड़ेगा तिवारी जी को या इसे इस बालक को इस बालक को पड़ेगा एक बालक मेरे लिए ग्यारह हजार है शगन है हाँ या ना मेरा अब दस नहीं दे रहे कितने हो गए एक दस एक लाख दस हजार तो एक लाख दस हजार का इंपैक्ट किसके ऊपर है मेरे ऊपर है जी ऐसे पच्चीस बैठे हैं कितना हो गया इम्पैक्ट सौ तो पचास तिवारी जी कहते हैं काम करते हैं आठ सौ बालक है अस्सी को मैं ही घुमा देता हूं फील करना तभी ऑडिट सीख पाओगे बच्चों का एक काम कर एंट्री तीन हजार दे जा किताबें मिल जाएंगी इंपैक्ट किसके ऊपर है इम्पैक्ट कैन बी मटेरियल और कैन बी मटेरियल ये सोर नो एज ए मैनेजमेंट मुझे ये डिसाइड करना है क्या इस प्रोसेस के ऊपर मुझे कोई कंट्रोल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए अब एक कंट्रोल हो सकता है मैं कंट्रोल का एग्जांपल दे रहा हूं कि भैया मैं तो ये पता नहीं फीस दे के आया नहीं आया एक काम करूंगा मैं ना एक कंट्रोल लगाता हूँ और वो कंट्रोल क्या होगा इस क्लास का ऑडिट होगा जी कैसे ऑडिट होगा आपका नाम पेमेंट रिसीट आई कार्ड मैंने सिस्टम से मैच कर लिया किसने उस बंदे ने इसकी पेमेंट रिसीव है उसने क्या किया इस स्टूडेंट को वेरीफाई कर लिया ये एक कंट्रोल था उसने ऐसे हंड्रेड परसेंट क्राउड को वेरीफाई कर लिया ये कंट्रोल था क्या ये एक ऑडिट था उसने अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट की होगी सरकार को या मुझे मैनेजमेंट को समझ में आ रही है बात तो इंटरनल ऑडिट जो कंडक्ट करवाता है वो कौन कंडक्ट करवाती है मैनेजमेंट क्योंकि मैनेजमेंट डे टू डे का काम नहीं करेगी ना काम तो प्लांट पे फैक्ट्री में ऑफिसेस में एम्प्लॉय कर रहे हैं तो क्या वो अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं क्या पहला दूसरा अगर कोई कंपनी ने अपना प्रोसेस बना रखा है तो क्या वो उस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं क्या क्या सारे कंट्रोल हमारे सही से लग रहे हैं क्या ये सब चेक करवाते हैं किन से इंटरनल ऑडिटर से एक ऑडिटर हायर करते हैं सिर्फ काम इतना नहीं होता कि वो जो प्रोसेस है सिर्फ उसे चेक करेगा इंटरनल ऑडिटर एक और वैल्यू एड करता है वो ये कि वो सजेशन भी देता है क्योंकि इंटरनल ऑडिट का तो एक्सपीरियंस है ना इस फील्ड में वो आएगा कहेगा कपिल सर आप ना ऐसे एंट्री मत करवाओ डेफिनेटली यहां पे आपका रिवेन्यू लॉस है मैं कहूंगा क्या करूँ बता वो कहेगा एक काम करो सर नीचे ना आप फेस रिकोगेशन सिस्टम लगा दो पूरा बच्चा आएगा पूरी फीस पेड होगी तो गेट खुल जाएगा अंदर मैंने कहा घंटे नुकसान होगा दस हजार का सिस्टम लगाने की बात कर रहा है दस लाख का तो बेसिकली हर जगह ना नुकसान कितना है और उसका कॉस्ट कितना है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो तो करोगे बड़ी बेसिक सी बात है ऑडिटर तो आपको सजेशंस भी देता है कि वेयर वी कैन इंप्रूव तो ये तीसरा ऑडिट कौन सा था बेटा इंटरनल ऑडिट मैंने अपनी जिंदगी में तीन साल इंटरनल ऑडिट किया हुआ है इंक्लूडिंग फोरेंसिक हाँ जी आगे चलिए अगला ऑडिट फोरेंसिक ऑडिट जिसमें आप फ्रॉड इन्वेस्टिगेट करते हो ठीक है बाकी चीजें देखते हो अगर कोई एक नेगेटिव एक्टिविटी हो चुकी है वी आइडेंटिफाई द रीजन इंपैक्ट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रॉड तो ये सारी चीजें फोरेंसिक ऑडिट होती है और बताइए स्टॉक ऑडिट हो गया ठीक है जिसमें आप स्टॉक को काउंट करते हो उस पर रिपोर्ट बना के देते हो और हाँ सेक्रेटरियल ऑडिट हमारी एक छोटी बहन भी है पता है आपको कौन कंपनी सेक्रेटरी एक हमारा भाई था कौन सीएमए एक हमारी बहना भी है सेक्रेटरी साहब उनका काम ये होता है कि कंपनी में देखो बहुत सारे कॉम्प्लाइंसिस करने होते हैं लोग मानते हो जी बहुत सारी फाइलिंग करनी होती है तो सीएस का काम ये होता है कि कंपनी ने सारे कॉम्प्लायंसेस पूरे किए या सारी फाइलिंग टाइम से हुई या नहीं हुई ये मेन काम होता है सर नहीं भी होगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा क्या होगा भाई नहीं हुई तो सर पेनल्टीज लगेगी फाइलिंग का खर्चा है पांच सौ रुपये पेनल्टी का खर्चा है पचास हजार ये चीज आपको तो, सेक्रेटरी ऑडिट के अंदर सब कुछ कवर हो जाता है CS जो करता है और बताइए हाँ जी ग्रीन ऑडिट बहुत बढ़िया सस्टेनेबिलिटी का ऑडिट अब तो एक नया चीज आ गया और एनवायरमेंटल ऑडिट कंकरेंट ऑडिट तो एक कंटिन्यूस ऑडिट है टाइप ऑफ इंटरनल ऑडिट का एक्सटेंडेड वर्जन है और बताइए बैंक ऑडिट इज अब बात समझो किसने बोला बैंक ऑडिट एजुकेशन ऑडिट हॉस्पिटल ऑडिट इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट ऑयल एंड गैस का ऑडिट अब बात फील करो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं बैंक क्या है एक इंडस्ट्री है क्या है बेटा बैंक एक उस इंडस्ट्री में आप ये सारे ही ऑडिट तो करोगे जो मैं बोल रहा हूं समझ रहे हो मेरी बात और बताइए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिट बताओ मुझे आप एक होता है ड्यू डेलिजेंस ना वॉट इज ड्यू डेलिजेंस और ये जितने भी प्रोफाइल्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारे काम कौन कर सकता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आप अपना स्कोप फील करो साथ ही साथ कितना बड़ा स्कोप है आपका ड्यू ड्यू इंटेलिजेंस का मतलब है कि कोई काम आपको करना चाहिए या उसका पहले क्या कर लो आप ड्यू इंटेलिजेंस कर लो कि पॉजिटिव इंपैक्ट क्या रहेगा नेगेटिव क्या रहेगा तो कंपनी ड्यू इंटेलिजेंस भी करती है कोई भी नया काम करने से पहले उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन इज ए काइंड ऑफ फोरेंसिक ऑडिट आप काफी बार इन्वेस्टिगेट करते हो चीजों को कुछ गलत हो जाता है तब तो ये अलग अलग टाइप के हमारे क्या है जी क्या है भैया आप मजे की बात ये है क्या इतना सारा ज्ञान ले सकते हो आप इतने अलग अलग टाइप के ऑडिट का ज्ञान ले सकते हो इंटर में ले सकते हो आप बताओ भाइयों पॉसिबल नहीं है तो आईसीए ने क्या किया बोला सारे ऑडिट हटा दो हम इंटर में एक ऑडिट पूरा समझा देंगे ताकि बच्चा अपनी आर्टिकलशिप में जाएगा तो एक ऑडिट तो एटलीस्ट कर लेगा और वो कौन सा ऑडिट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट जिसको हम बोलते हैं स्टैचरी ऑडिट तो जो आपका सिलेबस है ना वो पूरा किसका है स्टैचरी ऑडिट का है तो आप जब भी आप अपने आप को फील करेंगे जब भी आप आज से आप चूजे बन गए हो पता है आपको? अभी तक आप अंडो में थे आज की क्लास में आप बाहर आ गए थे ना गया? आप आर्टिकल बन गए हो आज से दिस इज योर फर्स्ट डे ऑफ आर्टिकलशिप ठीक है आज से आपकी आर्टिकलशिप चालू हो गई है आप कौन सा आर्टिकल फील कर रहे हो अपने आपको इंटरनल ऑडिट का डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में फील कर रहे हो जीएसटी में या स्टैट में आप स्टैट ऑडिट के अंदर भैया आपकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने जा रहे हैं आज से तो आपको ये ऑडिट समझ आया कि कितने कितने तरह के ऑडिट होते हैं अलग अलग यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट क्या ही डाउट हाँ पूछो बिल्कुल देखो मैं कर देता हूं थोड़ा सा डिस्कशन इस पे आप ही ने मुझे जवाब देना है ठीक है मैंने कहा इंटरनल ऑडिट करना है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आ गए बोले तो मैं करूंगा मैंने कहा करो वो तो अगला कोई सवाल पूछेगा आपसे कंपनी इतनी बड़ी है हजारों एरिया है इसमें आया ना कुछ एरियाज बताओ कंपनी के प्रोडक्शन मार्केटिंग सेल्स एचआर फाइनेंस रिसर्च प्लानिंग बहुत सारे एरिया लीगल ठीक है एडमिन बहुत सारे एरियाज हैं आपने कहा करो जी उसने कहा करते हैं जी क्या करना है इंटरनल ऑडिट कर लो अरे भाई किसका करूं किसका मतलब किस एरिया का करवाना है भाई ये तो बता दे अच्छा एरिया ही बताना है पहले महीने कर ले फाइनेंस का दूसरे महीने कर ले एचआर का तीसरे महीने कर लियो मार्केटिंग का फोर्थ मंथ कर लियो इसका फिर वापस चालू कर ली तो बेसिकली इंटरनल ऑडिट में वी कैन चेक वी कैन चेक एज वेल बात समझ आ रही है वहां के कंप्लीटेड फाइनेंशियल चेक करने बैठ जाएंगे वहां हो सकता है इंटरनल ऑडिट बोले कि भैया फाइनेंशियल में ना मैं बाकी चीजों पे फोकस नहीं करूंगा सिर्फ एक चीज पे फोकस करूंगा इस बार ये जो खर्चे हैं ना अदर एक्सपेंसेस में इन पे फोकस करूंगा अगले क्वार्टर में हम कोई दूसरा खर्चा पकड़ लेंगे तो दिस इज इंटरनल ऑडिट स्कोप जो है वो मैनेज कौन डिसाइड करेगा इस क्लास में इंटरनल ऑडिटर आके क्या चेक करेगा ये कौन बताएगा ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा मैं आया हूं मैं इसको चेक खड़ा हूं भाई जरा सही लग रहा है बैठ जा ऑडिटर खुद डिसाइड करेगा या मैनेजमेंट बताएगा इंटरनल ऑडिटर को क्या करना है कौन बताएगा क्योंकि किसके लिए काम कर रहा है अच्छा अब स्टैट ऑडिटर आया रिलायंस ने कहा जी आपको हमारा ऑडिट करना है आप आओ मैं चला गया देख रहे हो फील हो रहा है ऑडिटर ऑर्डर मैंने कहा जिला और एचआर वालों को बुला लो सबको अरे ना 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 एचआर वालों को चेक नहीं करने देंगे सब लड़के हैं पहले फाइनेंस देखो आप मैनेजमेंट कर सकता है क्या ऐसा बताओ मैंने कहा एक काम करो मेरी मेरी टीम में ना एक लड़की भी है वो कहती है भाई तू अपना पेपर तो सीधा कर इधर कर मेरी साइड मेरे को नाम देखना है तेरा ना कि बोर्ड को हाँ हाँ दिखा जल्दी विवेक वो कहती है सर मुझे ना विवेक से मिलना है वो सी एफ ओ को बुलाती है इधर आओ सी एफ ओ साहब कहते हैं हां जी मैम उस आर्टिकल को उस चूजी को पहला साल का पहला दिन और सामने वाला क्या बोल रहा है वो कई हैरान हो गई मैम मेरे को कोई मैम बोल रहा है मम्मी ने तो हमेशा खाली देखे बात की है वो कहते हैं सर विवेक से मिलना है नहीं विवेक से नहीं मिल पाओगे ऐसा, ऐसा हो सकता है क्या बताओ भैया हमारे ऊपर मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है नहीं हमारा जो दिल करेगा जिससे दिल करेगा उससे कोई नहीं रोक सकता ये बात सच है जो मैं बोल रहा हूं मतलब बाकायदा किताब में लिखा है कि आप किसी से भी ये बात भी लिखने की जरूरत समझे आईसीआई ने भाई मेरे दोस्त मान लो बीस दोस्त हैं 18 ने क्लाइंट प्लेस पे शादी कर ली है बड़ी आराम से मैंने क्लास में ढूंढ ली थी <laughs> मेरी बीवी ने ढूंढ लिया था मुझे बस अब दूसरों को एक्सप्लोर करने दें तो ये था आपका स्टैट ऑडिट टाइप्स ऑफ ऑडिट मैंने पे आपके लिए कवर किए इंटरनल ऑडिट की मैंने क्वेरी ले ली मैम की जो क्वेरी थी वहां पे जो स्कोप है वो मैनेजमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है स्टैट ऑडिट में रिस्ट्रिक्ट नहीं हमारा स्कोप कौन देता है, कानून देता है है कानून लॉ एंड रेगुलेशन डिसाइड करता है हम सब कवर करेंगे चाहकर भी कुछ नहीं छोड़ सकते छोड़ सकते हो आप नहीं हाँ जी कोई क्वेरी है तो बताओ देन आई विल स्टार्ट माई सेकेंड फेज ऑफ आर फर्स्ट लेक्चर हा देख जितने भी Compliances है ना Compliances मतलब जो किसी दूसरे के लिए किए जा रहे हैं तो खुद सोच अपना दिमाग लगा के क्या लिए बस तो बात ही हां जी, कोई क्वेरी? माहौल नहीं बिगाड़ेंगे देखो बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है कोई क्वेरी किसी की भी हाँ जी आगे स्टार्ट करें और ब्रेक? ये ब्रेक ही तो चल रहा था अभी तक मैंने कुछ पढ़ाया अभी तक ब्रेक ही है, ब्रेक लेना है। पांच मिनट का लेना है ब्रेक अच्छा हुआ नो कर दिया नहीं तो यहीं पे तुम्हारा अभी तुम्हारा फसीना निकाल देता मैं हाँ, 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 क्या बोल दिया सर आपने? शांत हो गया बालक ले भाई ले। देखो आज की क्लास अच्छी लगे तो बाहर भैया एक वो रख देना दान पात्र ठीक है वो डाल के चले जाएंगे बच्चे पचास रुपए से ऊपर डालना भैया आगे चले देखो मेरा मूड तो है नहीं तुम्हें छोड़ने का अब आप लोगों का है तो चले जाओ हाँ भाई लाइव वालों ब्रेक चाहिए तुमको अरे ये हटाओ ना लाइव वालों ब्रेक चाहिए तुम बताओ देवांश अग्रवाल पूछे सर ड्यू एलियंस दोबारा बता दो बताता हूँ देवांश जब आप सीए बन जाओगे ना तो आपके पिताजी आपके लिए लड़की ढूंढेंगे तो जब लड़की ढूंढने जाएंगे तो वो तीन चार चीजें ड्यू डेलिजेंस करेंगे लड़की चाहिए गोरी फिजिकल फिटनेस उस पर चाहिए दहेज उस पर आपके पिताजी लेंगे दहेज उस दहेज के साथ फिर करेंगे फाइनेंशियल को प्रोजेक्शन कि करंट बैलेंस शीट ये है अगर इसके साथ शादी हो जाती है वो मान लेंगे कि वो फ्यूचर पे जो होना है इंसिडेंट अगर वो आज हो जाता है तो नंबर्स कैसे दिखेंगे और वो फिर बाद में डिसाइड करेंगे कि शादी करनी चाहिए या ये ड्यू डेलीजेंस है समझ आया तो आपको पता चलता है कोई डिसीजन मेरे को लेना चाहिए या दैट इज ड्यू डेलीजेंस सब बच्चे कह रहे हैं नो ब्रेक नो ब्रेक नो ब्रेक बातें खत्म हो जाती है लाइव वाला बच्चा बोर नहीं हो रहा तुम हो गए चलो अब अब और भी मजेदार बातें करता हूं मैं अपनी मैं अपनी है ना बाइक का एक किस्सा सुनाता हूं आपको ब्रेक ईमानदारी वाला ब्रेक ले लो आप मेरे घर पे ना एक संध्या है ठीक है संध्या मेरी हाउस हेल्प तो भाई अपन देसी हरियाणा के महेंद्रगढ़ के लोंडे हम ठीक है मैंने अपनी बीबी को कहा मैंने कहा यार काम वाली चेंज करो तो <laughs> अरे यार मैंने कहा इसको खाना बनाना सही से नहीं आता तुम लोग पता नहीं कहां चले जाते ना बड़े भाई याद हो इस बार <laughs> मैंने कहा संध्या को चेंज करो काम वाली को चेंज करो अच्छी नहीं है अग्रिमा ने कहा साइलेंस चुप दिस इज वेरी इंसल्टिंग मैंने कहा क्या तुम तुम इज्जत खराब कर रहे हो तुम काम वाली कैसे बोल रहे हो मैंने कहा काम वाली है काम वाली बोल रहा हूं कह रहे नहीं आज से तुम मेरी एक बात मान लो बस किनको क्या बोलना है हाउस हेल्प मैंने कहा ठीक है भाई तुम बोल रहे हो तो मैं हाउस हेल्प बोल दूंगा एक दिन सब गए हुए थे संध्या काम संध्या काम कर रही थी संध्या काम कर रही थी मम्मी मम्मी का फोन आया, मम्मी ने कहा सब का है। मैंने कहा सब मार्केट गए घूमने हाउस हेल्प है बस संध्या वही थी मेरे को देख रही है बोली भैया काम वाली हूं मैं तो <laughs> मैंने कहा मम्मा हाउस हेल्प है मैंने कहा संध्या तुम हाउस हेल्प हो तुम काम वाली नहीं हो भैया मैं काम वाली हूँ आज आपको बता रही हूँ मैं मैं कौन हूँ मैंने कहा नहीं तुम हाउस हेल्प हो वो गई मेन गेट खींच के मारा और बाहर भाग गई अगरिमा आती है मैंने कहा चली गई क्रे कौन मैंने कहा तुम्हारी हाउस हेल्प हेल्परे क्यों क्योंकि मैंने उसे हाउस हेल्प बोला वो काम वाली से खुश थी तुमने जबरदस्ती उसको क्या बुलवाया हाउस हेल्प ब्रेक इसी के साथ खत्म होता है अब चलते हैं आगे मजा आया तो कभी भैया काम वाली को क्या मत बोलना वो घबरा जाएगी तुम क्या बोल लो जी लो एक है ना पंजाबी में गल कहते हैं ना मैनू चाहिंदा कोई हीरा भाई उतनी तो नहीं आती लेकिन कोशिश कर रहा हूं ना मैनू चाहिंदा कोई हीरा ना मेनू चाहे सुर्ख गुलाब असी तोड़े नाल ऑडिट जो पढ़ लें कर जाएंगे इस जगनू पार तो बैठे रहो यार लो जी लो ब्रेक है मां कसम ब्रेक है तुम बस रिलैक्स करो रिलैक्स ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अब हम आ रहे हैं स्टैट ऑडिट की शुरुआत पे बिना सब्जेक्ट शुरुआत करो छुट्टी नहीं कर पाऊंगा आज मैं

वो चार लोग आ, अब चाहिए मुझे वो चारों लोग आ जाए प्लीज अब फटाफट फड़ से आ जाओ ठीक है कुछ कुछ ऐसा नहीं है नॉर्मल है घबराओ नहीं <coughs> तो ये मैनेजमेंट है ये चारों लोग आप यहाँ पे देख पा रहे हो फुल स्क्रीन कर देना भाई ये स्क्रीन हटा दो भाई अगर मजा आए ना तो प्लीज तालियों से जरूर स्वागत करना आखिरी में लेकिन पहले मत बजा देना कभी कुछ ये चार लोग देख रहे हो ये हमारे अपने आप को ना एडजस्ट कर लो स्क्रीन को देखते हुए ठीक है यहाँ पे स्क्रीन आपको देखनी है उधर भाई गोद में मत ले लियो कैमरा का एंगल थोड़ा कोई नहीं कोई नहीं लो जो ठीक है आप उधर तो ये चारों जो है ये मैनेजमेंट है इन्होंने मैनेजमेंट ने ये फाइनेंशियल्स बना के साइन कर दिए सही बना के साइन कर दिए फाइनेंशियल आइए एक बार हाँ फाइनेंशियल ये फाइनेंशियल है फाइनेंशियल आप सब लोग ऑडिटर हो आपने फाइनेंशियल को चेक करना है एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड आपने ना लिंक करनी है बात मेरी बहुत गहराई वाली बात है और भाई तुम भी थोड़ा सुनना साथ साथ पता चले तुम बाद में देखो यार वीडियो रिपीट करनी पड़ेगी मैं तो बह गया वहीं सुनिएगा आप ये बताओ ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने बनाए हैं मैनेजमेंट तो क्या बनाया मैनेजमेंट तो साइन किए किसी अकाउंटेंट ने बनाए होंगे उस अकाउंटेंट ने फाइनेंशियल बना दिए इन्होंने साइन कर दिए ये हमारे फाइनेंशियल्स हैं आप सब ऑडिटर हो आप मुझे बताओ कितने परसेंट चांसेस आपको लगते हैं कि इसके अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज गलत हो रखी होगी अकाउंटिंग एंट्रीज गलत हो रखी होगी मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आपसे तो दि, दिमाग के साथ-साथ ना अपने आप को भी खोलकर अब थोड़ा सुनकर जवाब दीजिएगा हवा में मेरे को जवाब नहीं चाहिए क्योंकि अब एक डिस्कस हो रहा है तो आपको क्या लगता है ये इस फाइनेंशियल में अकाउंटिंग एंट्रीज कितनी गलत होगी आपको लगता है इसमें एंट्रीज गलत होंगी नहीं होंगी नहीं क्यों क्योंकि सर इतने सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं एस एपी टेली सब कुछ ऑन आप एंट्री डालो फाइनेंशियल बाहर आ जाएगा ऐसे खट खट खटखट आपको कुछ करना ही नहीं तो इसका मतलब आप चाहे कोई भी अकाउंट चेक कर लो अकाउंटिंग वाइज गलती मिलने के चांसेस नहीं है तो पहले तो हम यही करते थे हम पहले पहले का मतलब आज से तीस साल पहले या चालीस साल पहले जब हम ऑडिट करते थे तब तो ऑडिट में एक्चुअली क्या करते थे एंट्रीज ही तो चेक करते थे पहले भाई खाते हुआ करते थे वो रेड बुक देखे किसी ने तो हम क्या करते थे क्लाइंट के पास जाते थे और फाइनेंशियल बाद में लेते थे कहते थे भाई अपना लेजर दे, दे जरा और उसकी एंट्रीज सारी चेक करते थे इसने एंट्री सारी सही पास किया उसने उसके फाइनेंशियल सही बनाया हम उसको चेक कर रहे हैं और वो जब सही होता था ना हम अपना स्टैंप लगाते थे साइन करके दे देते थे आपको लगता है कि जो काम हम ट्रेडिशनली भाई बात नहीं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात नहीं जब आपको लग रहा है ना जब क्लास देखो पूरी माहौल में है, साइलेंस है तो इसका मतलब कुछ बढ़िया चल रहा है आपको लगता है इस फाइनेंशियल के अंदर उस तरीके की गलती होंगी सर इस फाइनेंशियल में क्लैरिकल गलतियां होने के चांसेस नहीं, नहीं है तो फिर किसकी गलती होगी क्या गलती होगी सर ये फाइनेंशियल किसने बनाए हैं सर ये इनके एक साल के मेहनत का नतीजा है ये ये फाइनेंशियल या ना तो अब आप लिंक करो मेरे साथ तो इसका मतलब अपने को ये फाइनेंशियल चेक करने चाहिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट है हम कौन सा ऑडिट कर रहे हैं उसका मतलब चेक करने चाहिए। इसमें तो कोई गलती मिलने के चांसेस ही नहीं नजर आ रहे फाइनेंशियल क्या करो छोड़ दो फाइनेंशियल किस फाइनेंशियल इज एन इनपुट और आउटपुट किनका मैनेजमेंट के एक साल के काम का ये रिजल्ट है तो आपने इस चीज को तो चेक नहीं करना चाहिए बैठ जा भाई इस चीज को कर दो आप साइड मतलब जिस चीज के लिए हायर किए गए हो वही चीज आपने छोड़ दी हां भाई क्योंकि इसमें तो आप चाहे पचास दिन लगा दो कुछ आप आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाओगे तो फिर क्या करें आप ना इधर आ तुम भी इधर आओ आप ना इन चारों के मान में लो मैनेजमेंट में चार लोग हैं इन चारों के पूरे एक साल के काम को चेक करो हो सकता है इन्होंने काम गलत तरीके से किया हो और फाइनेंशियल में सही तरीके से क्या करवा दिया हो एक एग्जाम्पल देता हूं भाई आपका नाम यश यश को चाहिए एक मैकबुक लैपटॉप चाहिए आपको फील करना फील आ जाए समझ जाओ तो बढ़िया है भाई ने एक साढ़े तीन लाख रुपए का मैकबुक मंगवा लिया मैनेजमेंट में हो भाई कर सकते हो इतना भाई को मैकबुक अपने लिए चाहिए ही नहीं था बंदी ने कहा था ये बॉडी शोडी घर पे रख के आना कल मैकबुक लेके आना इसने कहा जी माता जी ये साढ़े तीन लाख का मैकबुक ले जाके किसको दे देता है यशवी को आजकल यही ट्रेंड है ना दोनों अपना नाम मिला के कुछ तीसरा निकाल देते हैं पहले तो इसने भाई अपना साढ़े तीन लाख का लैपटॉप किसी को दे दिया लैपटॉप का बिल लिया होगा इन्होंने खरीदते टाइम उन्होंने कहा जी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम से बिल बनाना बंदी को बिल से कोई मतलब नहीं उसको मतलब है उसको किससे मतलब अब नीचे एक अकाउंटेंट बैठा है ये दिख नहीं रहा तुम्हें इधर से निकल क्या अरे निकल जाएगा क्यों निकल? ये अकाउंटेंट है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट का अकाउंटेंट है इसने क्या किया यश ने अकाउंटेंट को इनवॉइस दिया ले भाई इनवॉइस एंट्री पास कर दे क्या नाम था भाई आपका तरुण बैठो एक बार आप आपने अकाउंटेंट देखा तरुण कह रहा है गाली के साथ मन में गाली बाकी लैपटॉप कह है, है, है? एंट्री पास कर फील करना थोड़ा सा तरुण ने जानना चाहा सर आप खर्चा डलवा रहे हो लैपटॉप तो बता दो कहा बताऊ तेरे को एंट्री पास कर तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या मैनेजमेंट से वो क्या करेगा एंट्री बताओ आप लैपटॉप नहीं करेगा पीपीएन अकाउंट डेबिट टू बैंक साढ़े तीन लाख रुपए हुई, गलत हुई इसको बिल दिया गया नहीं दिया गया जो वाउचर बना मान लो इसने साइन कर दिया वाउचर पे फाइनेंशियल के अंदर पीपीएनई में आ रहा होगा लैपटॉप अब मैं आया ऑडिटर फील करना मेरी बात को मैंने कहा साढ़े तीन लाख रुपए का एक लैपटॉप खरीदा है बिल दिखाओ उन्होंने कहा ये लो बिल असली था नकली था मैंने कहा पेमेंट दिखाओ उन्होंने कहा ये लो पेमेंट भी दिखा दी तीसरी बात मैं ज्यादा से ज्यादा क्या बोल सकता हूं वो कोई लैपटॉप उठा के देख ले वो भी दिखा देगा अगर मैं हर चीज देखूंगा फिर तो ऑडिट दस साल में भी खत्म नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने एक साल में एक लाख एम्प्लॉ ने काम किया है और हम पांच लोग चेक करने आए हैं तो ये काम तो मैं चाह कर भी तो मैंने कहा हाँ जी यार बिल भी है अप्रूवल भी है एंट्री भी सही है पेमेंट भी क्या एवरीथिंग इज परफेक्ट फाइनेंशियल तो परफेक्ट है बट क्या वो बिजनेस यूज के लिए हुआ नहीं हुआ तो फाइनेंशियल चेक करने का तो कोई पॉइंट ही मतलब मैं देख रहा हूं सब सही है आप देख क्या रहे हो सब बट एक्चुअल में सब सही नहीं है तो नाउ आर फोकस ज नॉट ऑन फाइनेंशियल हमारा फोकस अब कहा चला गया कहा चला गया मैनेजमेंट के काम करने के प्रोसेस के ऊपर अगर कंपनी में यह प्रोसेस होता कि भाई साहब इसको कोई भी सामान खरीदना है पांच दस हजार की बात अलग है इसको कोई भी सामान खरीदना है अगर तो इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या लेना पड़ेगा अप्रूवल लेना पड़ेगा तो आप मुझे बताओ क्या यह साढ़े तीन लाख का लैपटॉप खरीद पाता खरीद पाता तो एज एन ऑडिटर मैं जब कंपनी में आऊंगा ऑडिट करने मैं फिक्स एसेट्स की चेकिंग नहीं करूंगा मैं सबसे पहले कंपनी के सारे प्रोसेसेस को समझूंगा किसको समझूंगा बेटा प्रोसेस को समझूंगा और एक डिसीजन मेकिंग करूंगा कि कंपनी ने क्या प्रोसेस सही डिजाइन कर रखे हैं या ये नहीं जैसे ऐसा भी तो रूल हो सकता था ना वहां पे कि यश को अगर कोई सामान चाहिए तो आपका नाम बेटा प्रथम

ऑडिटर चैलेंज कर सकता है नहीं कर सकता भाई उनकी पॉलिसी थी उन्होंने अपनी पॉलिसी के हिसाब से बट मैं अपने लिए तो एक डिसीजन मेकिंग करूंगा ना क्या ये कंट्रोल जो इन्होंने बना रखा है क्या ये मेरे हिसाब से सही है इस रिस्क को खत्म करने के लिए रिस्क क्या था कि ही कैन यूज द एसेट फॉर द पर्सनल यूज तो क्या मेरी जजमेंट उस कंट्रोल को सही बोल पा रही है नहीं कंट्रोल मेरे हिसाब से आपके सही जब मेरे को ऐसी फीलिंग आ जाए ये मैंने प्लानिंग इनिशियल फेज में ही कर लिया न, के. तो मैंने इसको चेक करके मुझे कॉन्फिडेंस चाहे सब कुछ ही सही क्यों ना हो मानते हो मेरी बात क्योंकि हो सकता है क्या हो रखे हो फ्रॉड हो रखे हो और जिनको मैं प्रूव ही ना कर पाऊं कि ये क्या है फ्रॉड है इसीलिए हम हमारे ऑडिट के अंदर ना कभी भी सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग नहीं करते आपको यह बात समझ आई अब आपके दिमाग में आएगा सर फिर क्या करते हैं ये और बताओ आएगा जी आपके फाइनेंशियल के अंदर बेटा आप, आप बैठ सकते हो मेरे को मैनेजमेंट का रोल प्ले करवाना था <coughs> आपके फाइनेंशियल के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एरियाज हैं पीपीएनई इन्वेंट्री डेटर्स क्रेडिटर तो जब भी हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं पूरे फाइनेंशियल का एक साथ ऑडिट कर दोगे या एक एक एरिया को उठाओगे भाई दस लोग हैं हो सकता है तीन लोग एक एरिया कर रहे हैं तीन कोई दूसरा कर रहे हैं हाँ या ना तो आपने डिसाइड कर लिया भाई सबसे पहले लेट से मैं ऑडिट करने वाला हूं इस बार पीपीएन का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ऑडिट करूंगा या परचेज का ऑडिट करेंगे डिसाइड कर सकते हो आप ऐसा अब आप क्या करोगे ये अब आपका टाइम स्टार्ट होता है आप आ गए हो केपीएमजी में

मान लो बीस हजार करो ठीक है साले तू भी का ही रहेगा बीस हजार करो ठीक है कितने पर है मैंने कहा कर चेक करो आप लोग चेक करो बताओ कैसे करोगे मैंने तो पहले ही बता दिया कि इसका नंबर तो अपने को चेक ही नहीं करना सबसे पहले क्या करोगे अब आपने ये बताना है वट विल बी आर फर्स्ट स्टेप एज एन ऑडिटर आई हैव टाइम राइट यस वी हैव फोर्टी फाइव मिनट्स हाँ अब हैंड रेस करके जब ऑडिट स्टार्ट हुआ है अब बताओ जी क्या करोगे सबसे पहले सैंपल लेंगे सर बीस हजार करोड़ का नंबर है सैंपल लेंगे इसमें ट्रांजेक्शन और बता दो चलो साथ ही साथ भाई ट्रांजेक्शन और टोटल नंबर अलग अलग हो सकता है ना ट्रांजेक्शन बताओ ट्रांजेक्शन ले लेते हैं चार लाख फोर लैख ट्रांजेक्शन हैं हां जी क्या करें सबसे पहले चार लाख लाइन आइटम है लाइन आइटम आइटम मतलब वो वाला आइटम आइटम नहीं लाइन मतलब ट्रांजेक्शन रियल लाइफ में हम रियल लाइफ में क्या बोलते हैं क्या बोलते हो रियल लाइफ में लाइन आइटम नहीं लाइन आइटम क्या बोलते हैं ये बेटा रियल लाइफ के वर्ड है सारे जब रियल लाइफ में ऑडिट करने जाओगे तो आप इसी तरह से बातें करोगे कितनी लाइन आइटम है तो कितनी लाइन आइटम है का मतलब ये है उस अकाउंट में कितनी ट्रांजेक्शन है तो लाइन आइटम कितनी है यहां पे चार लाख नंबर है उस लाख ट्रांजेक्शन का टोटल नंबर है ट्वेंटी थाउजेंड करोड़ आपसे पहला क्वेश्चन है कि हम क्या करें सबसे पहले आप क्लाइंट प्लेस पे आ गए हो आपने चाय कॉफी पी ली है फ्री का खाना खा लिया है आप अगला स्टेप बताओ क्या करने वाले हो हैंड रेस कर आपको जवाब देना है बताइएगा हाँ जी हाँ हाँ, हाँ। तो वो तुम दस बीस भी क्यों फिर तो एक से कर लो बताओ प्रोसेस तो देखो तुम आधे सही हो आधे गलत हो अच्छा और बताओ कोई हाँ जी परचेस प्रोसेस देखेंगे सबसे पहले इन्होंने कहा हाँ जी और कोई बताएगा हाँ आप बताइए बेटा आपसे पूछ रहा हूं हां ठीक है हाँ जी बेटा ओहो तो हो इतना ऑडिट क्यों पढ़कर आ गए पहले ही मत देखो प्लीज मेरी एडवांस वीडियोस मत देखो वो आपको क्या करेगी मैं बता देता हूँ आपका लर्निंग इंटरेस्ट कम हो जाएगा ठीक है मत देखना आगे की कोई वीडियोस मत देखना अदरवाइज क्लास आपको बहुत बोरिंग लगने वाली है कोई फायदा नहीं है हाँ जी हाँ बेटा आपका नाम दिव्यांश के लिए तालियां बजाएंगे सभी बच्चे मैंने कहा ना मेरी अभी आपसे कोई टेक्निकल एक्सपेक्टेशन भाई मुझे देसी तरीके से बताओ ने कहा सर सबसे पहले हम जाएंगे और कंपनी में जाकर समझेंगे भाई तुम परचेज करते कैसे हो प्रोसेस क्या है यही तो सुनना था मुझे आप जाकर हाँ आपने भी यही बोला था आप जाकर समझोगे कि आपके यहां परचेज कैसे समझेंगे कैसे समझेंगे बताओ हैंड रेस करके जवाब देंगे क्योंकि ऐसे ना फिर समझ नहीं आती जब इतनी आवाज आती है पीछे से कोई बताओगे आप देखो पहला आंसर निकल के आ गया कि सर नंबर चेकिंग को रख दो साइड में सबसे पहले क्या करो परचेज का प्रोसेस समझो मेरा अगला क्वेश्चन आता है कैसे समझे हाँ जी ठीक है और कोई पहले पूछेंगे हम कि परचेज होती है तो उसमें किस, -किस का अप्रूवल लगता है नहीं तो यह सारे पैसे खा जाएगा अच्छा एक बात बताओ किससे पूछोगे किस कौन सी मैनेजमेंट हाँ जी सही जा रहे हो कंक्लूड कर दू आप बिल्कुल सही जा रहे हो सर सबसे पहले हम समझेंगे परचेस का प्रोसेस ठीक है कि आपके यहाँ पे भाई साहब परचेज की कैसे जाती है अब वो समझाओ दूसरा किससे समझेंगे भैया परचेस डिपार्टमेंट के हेड से मिलेंगे हम फाइनेंस से थोड़ी ना मिलेंगे या एचआर वाले से थोड़ी परचेज कैसे करता है वो कहेगा भाई साहब परचेस डिपार्टमेंट से पूछो मुझसे क्यों पूछ रहे हो हाँ या ना तो सबसे पहले हमारा स्टेप वन रहेगा विल फिक्स ए मीटिंग विद द विदर्चेज डिपार्टमेंट हेड और उसके पास आप लोग अपनी नोटबुक लेकर जाओगे ठीक है और एक पेन लेकर जाना अपॉइंटमेंट लेकर जाना ये नहीं पहुंच गए हाँ भाई परचेज ऑडिटर खड़ा जा ऐसे नहीं कम्युनिकेट करके टाइम फिक्स करके आपको टाइम लगने वाला है क्योंकि इस डिस्कशन में क्योंकि यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड फुल प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड अब आप आ चुके हो परचेज हेड के सामने आप सब लोग दूसरी साइड हो टेबल के मतलब ऑडिटर मैं मैनेजमेंट मैंने कहा जी हाँ जी ऑडिटर साहब बैठिए फ्री की चाय मंगवा रहा हूँ बताइए क्या पूछना है आपने आप कहते हो भाई साहब मेरे को ना समझना है परचेज का प्रोसेस कि आपके यहाँ पे परचेज कैसे होती है मैंने कहा परपज क्या है आपने कहा जी स्टेट ऑडिट करना है मुझे चेक करना है इसलिए प्रोसेस जानना चाहता हूँ मैंने कहा बैठिए मैं आपको तरसली से समझाता हूँ कि हमारे यहाँ पे परचेज कैसे होती है तो आई एम प्लेइंग ए मैनेजमेंट रोल फॉर यू ठीक है जी वो कहता है कपिल साहब और ये बिल्कुल मैं एक्चुअल तरीके से बता रहा हूँ जिस तरह से क्लाइंट प्लेस पे होता है और मैं पहली बार जा रहा हूँ लेकिन अभी जब मैं अगर सामने बैठा हूं तो मेरा पहला साल होगा या तीसरा चौथा साल होगा तीसरे चौथे में तो गाली देखे भगा देगा वो सारे हर साल से मानता है क्या <laughs> मैं पहले साल गया मैंने कहा परचेज का, का उसने एक घंटा दो घंटा दिया अगले साल फिर गया सर परचेज का प्रोसेस था वो सर मैंने लिखा नहीं भूल गया वो बता देगा चलो तीसरे साल फिर चले गए तुम सर परचेज का प्रोसेस तुम्हें लगता नहीं वो तुम्हें बताएगा तुम्हें फिर दूसरा प्रोसेस प्रोस बताएगा वो तो मत जाना बेटा लो जी लो जी लो अब आप परचेज हेड के सामने बैठे हो वो आपको बोलता है अब आपके ना ऑडिटर शांति से सुने या बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हम शांति वाले आदमी नहीं है ठीक है अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो तो फिर आप घंटा ऑडिट करोगे फिर तो कोई भी कुछ भी बता देगा आपको भाई थोड़ा इधर करो मेरे को इधर इस मोटे आदमी को थोड़ा इधर करो मतलब और कर दे थोड़ा सा ठीक है आपको वो समझाता है कुछ भी मत लिखना मैंने सब चार्ट्स बना रखे आपके लिए ठीक है सिर्फ समझना सुनना एंजॉय करना वो आपको कहता है सर देखिए सबसे पहले ना हमारे यहाँ पे बिल्कुल बिगनिंग में परचेज मतलब किसी को कुछ चाहिए उसने कहा जी जो यश नाम का लड़का है अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने में वो ही था ना कह रहा जी यश जो है आज ये पेन नहीं चलेगा उसने मान लो एक रिक्वेस्ट दी अरे क्लास का टाइम नहीं हुआ पेन अभी उसने एक रिक्वेस्ट दी किस चीज की रिक्वेस्ट दी थी भाई लैपटॉप की कितने की थी वो रिक्वेस्ट साढ़े तीन लाख की कह सबसे पहले एक रिक्वेस्ट आती है जनरली किसी को अगर कोई सामान लेना होता है साढ़े तीन लाख रुपए के लैपटॉप की एक एक एग्जांपल एग्जांपल हमने एक 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 उठा लिया वहां पे मैंने कहा कोई एक एग्जांपल उठा लो उससे आप समझा दो पूरा प्रोसेस ताकि मैं देख भी लू उसने कहा जी एक रिक्वेस्ट आई सबसे पहले और इस रिक्वेस्ट को अब ऐसा होता मान लो वो कहता है जी रिक्वेस्ट आई हमने उसको लैपटॉप परचेज करके दे दिया मैं कहता क्या बलेंडर कर रहे हो तुम लोग आप क्या तो बहुत सारे रिस्क है आप भी साढ़े तीन लाख के सामान को सात लाख का खरीद लोगे वो कहता है जी हमने यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आई जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे रिक्वेस्ट आती है ना यहाँ पे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे रिस्क हैं क्या रिस्क है बताओ इस स्टेप पे क्या रिस्क है जब रिक्वेस्ट आई सर रिस्क पहला रिस्क है कि यश ने जो परचेज डाली है हो सकता है वो किसके लिए डाल पर्सनल यूज के लिए यार ये काम क्यों नहीं कर रहे ब्रेक ही तो चल रहे हैं <laughs> पर्सनल यूज के लिए ये रिस्क है क्या एक कंपनी कहती है जी इस तरह का रिस्क ना रहे तो हमने क्या किया इसके लिए एक डिजाइनिंग की किसकी डिजाइनिंग की एक कंट्रोल डिजाइन किया मैंने कहा क्या कंट्रोल डिजाइन किया आपने हमने कहा जी आपका जो भी रिक्वेस्ट आया है इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा कौन आपके डिपार्टमेंट हेड कि भैया क्या यश को एक्चुअली में लैपटॉप की रिक्वायरमेंट है या वो पहले अप्रूव कर दें उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमने एक कंट्रोल बना रखा है मैंने कहा जी एक और रिस्क है बताओ जनरली डिपार्टमेंट के लोगों में तो दोस्ती हो जाती है तो एक और दूसरा रिस्क निकल के आया सर क्या रिस्क निकल के आया क्या क्या रिस्क निकल के आया सर दोनों में कोल्यूजन हो सकता है हाँ या आपके लिए एक सिंपल वर्ड लिख देता हूं दोनों में क्या हो सकती है एक पार्टनरशिप हो सकती है दोनों मिलके फ्रॉड कर सकते हैं मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो एक काम करते हैं फिर इसको भी खत्म करने के लिए क्या कर देते हैं कर, एक कंट्रोल बना देते हैं कि भैया आप पहले ही, यश भाई साहब पहले आप अपने डिपार्टमेंट हेड से अप्रूव करवाओ कि आपको ये सामान चाहिए आपके डिपार्टमेंट हेड ने अप्रूव कर दिया तो जो फाइनेंस हेड है हमारे सी साहब सी भी अप्रूव करेंगे यहाँ पे सी भी हो सकता है यूनिट हेड भी हो सकता है कोई भी हो सकता है मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं मैंने कहा हाँ अब आप बताओ एज एन ऑडिटर थोड़ी तसली हुई कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन हायर लेवल पे एक अमाउंट को उसने क्या किया अप्रूव किया क्या अप्रूव हुआ है अभी कि लैपटॉप अभी खरीदा नहीं गया है सिर्फ एक रिक्वायरमेंट अप्रूव हुई है कि हाँ भैया लैपटॉप खरीद सकते हो आप अप्रूव दो बंदों ने अप्रूव तो अभी आप एज एन ऑडिटर सेटिस्फाइड हो रहे हो अभी क्या रिस्क वन और रिस्क कंट्रोल पहले कंट्रोल तक अगर बात खत्म हो जाती तो एज एन ऑडिटर आप सेटिस्फाई होते मान लो दूसरा दूसरा रिस्क और दूसरा कंट्रोल आपने बताया आपको उसने उसने कहा कहा जी जी इसके इसके बाद क्या होता है उसने जी, इसके बाद हम क्या करते हैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं परचेज डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो उसने रिक्वेस्ट अपने डिपार्टमेंट हेड को दी होगी फिर वो सीएफओ के पास गई उसने भी अप्रूव कर दिया उसके बाद रोल स्टार्ट होता है कौन से डिपार्टमेंट का परचेज डिपार्टमेंट का उसके पास एक रिक्वेस्ट आ गई रिक्वेस्ट पे अप्रूवल्स हैं दो बंदों के इसका मतलब उसे क्लियर है कि उसे ये सामान देना है खरीद कर परचेज डिपार्टमेंट डायरेक्टली सामान नहीं खरीदता कभी भी वो पहले एक दूसरे डिपार्टमेंट से बात करता है बताओ कौन सा डिपार्टमेंट है नहीं वो सबसे पहले चेक करता है भैया कोई भी सामान खरीदने से पहले एक काम करो चेक कर लो हो सकता है हमारे पास स्टॉक में क्या हो अवेलेबल हो क्योंकि एक रिस्क है कहीं मैं ऐसा ना हो कंपनी के फंड मैं तो साढ़े तीन सौ साढ़े तीन लाख का एग्जाम्पल ले रहा हूं फील साढ़े तीन सौ करोड़ तो ऐसा भी तो हो सकता है मैं कंपनी के फंड को क्या कर दू ब्लॉक कर दू तो एक रिस्क है कि आप कंपनी के फंड्स को ब्लॉक कर सकते हो मैंने कहा नहीं साहब ऐसा नहीं होगा हमारे यहाँ एक कंट्रोल है क्या कंट्रोल है जी कि कुछ भी खरीदने से पहले हम स्टॉक मतलब इन्वेंट्री स्टोर डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेते हैं क्या लेते हैं

लेकिन स्टोर अब अपने को तो आगे बढ़ानी है ना इस चीज में तो स्टोर डिपार्टमेंट क्या कहेगा हमारे पास सामान नहीं है अब मैं आपको समझा रहा हूँ अब आर्टिकल हो आपने कहा जी ठीक है सामान नहीं है तो फिर क्या होगा उसने कहा ठीक है जी अब हम एक काम करेंगे बाजार जाएंगे मैं चार लोगों से पूछूंगा कि भाई लैपटॉप कितने का देगा उसने कहा एक ने कहा तीन का एक ने कहा साढ़े तीन का एक ने कहा चार का मैंने कहा ठीक है सात लाख का दूंगा सात लाख कर लूंगा तीन लाख तो मुझे वापस दे दियो तो अगर ऐसा प्रोसेस होता तो क्या आप हाँ हजम कर पाते फ्रॉड कौन कर रहा है परचेस डिपार्टमेंट तो एक रिस्क है बेटा यहां पे अब ये फाइनल हो गया कि आपको करना है लैपटॉप तो यहां पे एक रिस्क बताओ क्या है रिस्क बहुत सारे रिस्क बता सकते हो मुझे बताए अब रिस्क बताना चालू करो क्या क्या रिस्क है आपने कहा सर अपने रिलेटिव से खरीदेगा सबसे पहले तो ठीक है भाई फैमिली मेंबर आ गया इसमें और रिस्क बताओ हाँ हाई प्राइस पे खरीदेगा सर रिस्क अपने रिलेटिव से नहीं खरीदेगा बाहर वाले से खरीदेगा ज्यादा प्राइस पे खरीदेगा कंपनी से पे करवा देगा बाद में क्या ले लेगा कैश ले लेगा और कोई रिस्क क्या कह रहे हो अच्छा खुद ही माल बनाएगा किसी पार्टी को बेचेगा और खरीद लेगा बहुत हाई हो गया और कोई कमीशन इनकम ले लेगा ले ले चलो कमीशन ले लेगा ले 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 किसी तरीके से मतलब मेजर परचेज का रिस्क यही तो है कि भाई आप अनरिलेटेड पार्टी से रिलेटेड पार्टी से कैसे भी आप सेटिंग करके टेंडर समझते हो ना सरकारी टेंडर वगैरह जो होते हैं जनरली उन पे अपना कोटेशन देने के लिए आपको कमीशन देना पड़ता है डिपार्टमेंट को तो जो जितनी कमीशन देगा उसका टेंडर लग जाएगा तीसरा रिस्क है कि सर रिक्वेस्ट बंदे ने दी थी मैक की उसने कहा भाई तेरी बंदे की रिक्वायरमेंट लिनो, लिनोवो से काम हो जाएगा उसने क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज कर दिया सेम चीज बताकर उसने क्या खरीद ली लो क्वालिटी ले ली और पैसे पीछे घुमा दिए परचेज डिपार्टमेंट के रिस्क हो सकते हैं आपने कहा जी कंपनी ने कहा जी हमारे यहाँ पे ये रिस्क नहीं हो पाएंगे क्योंकि हमने इनके लिए क्या बना रखे हैं कंट्रोल बना मैंने कहा क्या कंट्रोल है कह रहे पहला कंट्रोल तो ये है कि जब भी कोई सामान खरीदना है हमें सबसे पहले उसके लिए क्या मंगवानी होती है कोटेशंस मंगवानी होती है और वो भी मिनिमम थ्री टू फोर कितनी कोटेशन मैंने कहा कोई बात नहीं मैं तीन रिलेटिव से मंगवा लूंगा तो इधर भी एक रिस्क है क्या कि मैं अपनी नॉन पार्टी से क्या ले लूंगा कोटेशन मैंने कहा नहीं हो पाएगा कंपनी ने इसके लिए भी क्या बना रखा है एक अरे वाह क्या कंट्रोल है जी कि भाई साहब जो कोटेशन आएंगी ना वो ओनली एंड ओनली अप्रूव्ड वेंडर से आएगी और ये अप्रूव्ड कौन करेगा वेंडर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब हर सामान कहां से खरीदना है ये पूरी लिस्ट ऑफ वेंडर आपको पहले ही दी गई है आप इनके अलावा कहीं से नहीं खरीदोगे मैंने कहा फिर तो एक और रिस्क है बताओ जी क्या नहीं नहीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर भी शक करोगे तो फिर किसको मानेंगे वो तो फिर मैनेजमेंट अलग हो गई ना आपने कहा जी रिस्क ये है मैनेजमेंट ने आपको एक लिस्ट दे दी बट मार्केट में इतना कंपटीशन है इतनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कंपनीज आ रही हैं आप कैसे डिसाइड करते हो कि हमें लिस्ट कब अपडेट करना है तो एक रिस्क है ना जी क्या कि आप ओल्ड ओल्ड वेंडर से ही डील कर रहे हो जबकि मार्केट में बहुत कुछ आ चुका है कंपनी कहती है जी नहीं इसके लिए भी क्या है एक कंट्रोल क्या कंट्रोल है सर हम वेंडर का ना इवैल्यूएशन करते हैं क्वार्टरली और इनमें से जिनकी परफॉर्मेंस का प्रोडक्ट बेकार रहा उनको हटा देंगे नए को इंट्रोड्यूस कर देंगे आपने कहा जी कोटेशन पे मैं हो गया। आप इसमें कोई ज्यादा फ्रॉड नहीं कर पाओगे अब क्या करोगे? सर कोटेशन आई चार लोगों की कोटेशन आ गई यहां पे हम लोग क्या करते हैं मैंने कहा एक रिस्क है जी इसके बाद भी आपने क्या कहा एक रिस्क है क्या रिस्क है सर कोटेशन में ना आप उसको फाइनल ऑर्डर दोगे जो आपको क्या देगा क्या देगा जी कमीशन मैंने कहा नहीं हो पाएगा भाई साहब कंपनी ने क्या बना रखा है इसके लिए क्या कंट्रोल है कि कोटेशन जब आती है तो एक ना ये बेटा अमाउंट के हिसाब से ना कंट्रोल अलग अलग हो सकते हैं पचास हजार का अमाउंट है तो तीन हायर डिपार्टमेंट के हेड बैठ के डिसाइड कर लेंगे लाखों करोड़ों में है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर स्लैश मैनेजमेंट ना मीटिंग करते हैं उस मीटिंग के अंदर एक बनता है कंपेरेटिव चार्ट क्या बनता है कि भैया इस कम कंपेरेटिव समझते हो ना कंपनी ए बी सी डी प्रोडक्ट प्राइस क्वालिटी सब कुछ उसमें है तो कंपेरेटिव बनता है एंड कंपेरेटिव बनने के बाद फाइनल अप्रूवल कौन देता है किसको ऑर्डर देना है कौन देता है बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे अप्रूव करते हैं कि भैया ऑर्डर हम किसको दे रहे हैं एक्स पार्टी मैंने कहा ठीक है जी यहाँ पे भी अब मुझे कोई खास फ्रॉड वाला सीन नजर आ नहीं रहा कि कोई मैनेजमेंट के लेवल का बंदा फ्रॉड करे क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं मान रहे हो मैंने कहा इसके इसके बाद बाद क्या होगा जी एक एग्रीमेंट बनेगा लेट से यहाँ पे पार्टी एक्स पार्टी को फाइनल कर दिया अब एक्स पार्टी को भी तो पता चलना चाहिए ना कि आपको ऑर्डर मिल रहा है मैंने कहा नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप सर जब पार्टी फाइनल हो जाती है ना कोटेशंस के बाद यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट एक एग्रीमेंट बनाएगा और उस एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं परचेज ऑर्डर क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रियल लाइफ में पीओ क्या बोलते हैं जी पीओ इज ए काइंड ऑफ एग्रीमेंट जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो पीओ एग्रीमेंट है तो डेफिनेटली कोई साइनिंग अथॉरिटी होगी तो उसको रेलेवेंट मैनेजमेंट क्या करेगी साइन कर देगी पीओ चला गया वेंडर के पास अब वेंडर क्या उस पीओ के हिसाब से मटेरियल भेजेगा आया ना तो आप आगे बढ़े प्रोसेस में अभी पीओ चला गया फिर आपने कहा जी जब पीओ चला जाता है ना सामने वाले के पास तो सामने वाला बंदा क्या करता है उस उस पीओ के हिसाब से उस पीओ की टर्म्स के हिसाब से मटेरियल बनाता है और उसे कंपनी में क्या करता है फाइनली भेज देता है तो ये मान लीजिए कंपनी का एक गेट है फैक्ट्री का गेट कंपनी का गेट जो भी आप फील करना चाहें ठीक है यहां गेट पे वो सामान आ चुका है मेन गेट पे कंपनी के अंदर कोई भी घुस जाए नहीं तो यहां पे ना जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड साहब है प्लस एक वहां पे एक बंदा भी होता है जो सिस्टम पे होता है वो एक एंट्री पास करता है एस के अंदर उस एंट्री का कोड होता है एंट्री कोड नंबर 103 मैं साथ साथ बता रहा हूं जब ऑडिट में करने जाओगे ना तो आपको शायद याद आ जाएगी भाई 103 भी चेक करनी है एंट्री नंबर वन एंट्री है जिसमें जो भी कंपनी अच्छा के मोटा -मोटा, तो देख लेता है वो कहता है जाओ जी, अंदर जाओ। वो सिस्टम में उस सामान के क्या उसने उसकी वन जीरो थ्री से क्या स्टॉक में इन्वेंट्री एड हो गई होगी ना, ना ना वो सिर्फ फैक्ट्री के अंदर की एंट्री है प्लांट की एंट्री है समझ आया अब मेटेरियल कहा जाएगा

स्टोर वाला बंदा कहेगा जी सामान उतारो बिल से वेरीफाई करो क्या सामान उतार के रख ले सर एक रिस्क है यहाँ पे क्या रिस्क है जी सर हो सकता है इशू हो आपको क्वांटिटी में हो सकता है आपको इशू हो क्वालिटी में हो सकता है क्या क्या वो स्टोर का बंदा बता सकता है कि क्वालिटी खराब है तो यहाँ पे ना कंपनी क्या करेगी कंट्रोल को डिज़ाइन करेगी कंपनी कहती है भाई हमने कंट्रोल बना रखा है कि जिस यूजर ने मंगवाया था उसको बुलाया जाएगा कि भाई तेरा माल आ गया है जरा आ जा वो आकर क्वालिटी चेक करेगा और अपने क्या करेगा साइन करेगा ताकि बाद में ये ना कहे कि भैया माल क्या आ गया कम आ गया और खराब आ गया यहां तक समझ आया जैसे ही ये कंट्रोल लगा अप्रूवल का स्टोर डिपार्टमेंट का काम चालू हो गया क्योंकि उसके लिए भी माल अब उसको अंदर लेना पड़ेगा हाँ या ना स्टोर डिपार्टमेंट यहां पे क्या करेगा एक एंट्री पास करेगा एंट्री नंबर 105 जीरो इन एस उस मटेरियल कोड के साथ जैसे आपका अपना एक नाम है ना आप सबका अपना एक नाम है ऐसी कंपनीज में हर एक मटेरियल का एक कोड होता है क्या होता है कोड होता है नंबर से चलता है सब कुछ तो वो क्या करेगा उस मटेरियल कोड के साथ वन की एंट्री कर देगा वन की एंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री स्टॉक में आ गई ठीक है सर दस क्वांटिटी आई थी छे अप्रूव हो गई चार रिजेक्ट हो गई तो अब क्या होगा स्टोर डिपार्टमेंट वन जीरो आया था तो वो कहेगा की क्या करो वापस वापस तो जब वो लेके जाएगा ना तो मेन गेट वाले को एक एंट्री करनी पड़ेगी अब क्योंकि उसने एंट्री में कितना दिखा दिया था क्वॉंटिटी दस कि गेट पे दस आ चुका स्टोर में कितना ऐड हुआ तो चार का डिफरेंस है ना अभी फैक्ट्री में तो वो वहां पे एक रिवर्स एंट्री करेगा एंट्री नंबर वन जीरो फोर और उसमें वो क्वांटिटी कितनी माइनस कर देगा ताकि सब सब जगह कुछ छिकनसाइल्ड रहे हाँ मैंने माल स्टोर में एंटर कर दिया छ तीन दिन बाद पता चला यार दो तो खराब है हो सकता है ना तो मेरे को मेरे को माल वापस भिजवाना है तो कल को मान लो गाड़ी दोबारा आई दोबारा माल वापस जा रहा है तो क्या स्टोर वाले को भी एक रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी अब स्टोर तो रिवर्सल एंट्री जो स्टॉक की होती है वो होती है एंट्री नंबर 106 जीरो के अंदर ठीक है ट्री का रिवर्सल अगर करने की जरूरत पड़ रही है तो तो आपने देखा कि इनिशियल फेज में भी कुछ कुछ भी कुछ 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 रिस्क रिस्क थे 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 और और कंट्रोल कंट्रोल डिपार्टमेंट के स्टेप पे जब माल फैक्ट्री में आया तब भी कुछ क्या थे रिस्क और उसके लिए कंपनी ने क्या बना रखे थे अब मान लो जिस बंदे ने सामान मंगवाया था सामान आ गया क्वालिटी अप्रूव कर दी उसके बाद उसने एक रिक्वेस्ट डाली कि भैया सामान दो स्टोर वाले ने सामान दिया काम खत्म लेकिन यहाँ पे अभी हमारा प्रोसेस फाइनेंशियल ऑडिटर का प्रोसेस अभी समझना खत्म मैं कहूंगा और बताओ आगे कह रहा और बताएं सुनो आगे फिर कह रहा माल आ चुका जिसके पास जाना था उसके पास जा चुका स्टोर डिपार्टमेंट अब क्या करेगा सारे पेपर्स किसके पास है बेटा उस माल के स्टोर के पास है ना सारे पेपर्स वो कह रहे हैं जी अब हम क्या करते हैं उस मटेरियल के सारे पेपर को इकट्ठा करते हैं क्या करेंगे सब पूरा बंच बनाएंगे बंच बनाएंगे और किसको दे देंगे किसको दोगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को किसको दोगे अब यहां पे किसका काम चालू हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम चालू हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट सबसे पहले देखेगा किस यूजर की रिक्वेस्ट थी क्या जिनको साइन करना चाहिए था उन्होंने किया या क्या कोटेशन चार आनी चाहिए थी वो आई या क्या कंपेरिटिव चार्ट बनाया क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव किया क्या क्वालिटी वेरीफाई हुआ बेसिकली फाइनेंस डिपार्टमेंट का बंदा क्या कर रहा है क्या कर रहा है स्टेप नंबर वन से लेकर आखिरी तक सब कुछ वेरीफाई कर रहा है यस और नो और उसके बाद जो पीओ था जो एग्रीमेंट था उसके हिसाब से वो क्या कर देगा क्या कर देगा जी पेमेंट कर देगा माल डिले आया है डिले की पेनल्टी है काटो माल जल्दी आया है तो मान लो अगर कुछ उसमें लिखा हुआ है कि अगर हमें जल्दी ये रिवॉर्ड देना है दो पेमेंट करेगा क्या कैशियर बस बिल देख के पेमेंट कर दे यहाँ पे एक रिस्क आ गया क्या क्या रिस्क आ गया बताओ सर ऐसे रहा बिल देख के पेमेंट कर दो तो वो तो फिर अनऑथराइज पेमेंट कर देगा आया ना करेगा नहीं करेगा और रिस्क बताओ अनऑथराइज रिस्क तो एक ठीक है सर एक्सेस पेमेंट भी तो कर सकता है अकाउंटेंट ही तो है वो हो सकता है उसने कोई चीज ना समझी हो पेमेंट करनी हो चार करोड़ कर दी साढ़े चार तो मैंने कहा जी कंपनी ने अनऑथोराइज पेमेंट एक्सेस पेमेंट इन सब के लिए भी क्या बना रखा है कंट्रोल और कंट्रोल क्या है जी एक फाइनेंस हेड बनता है उसका काम ही यही होता है कौन है जी फाइनेंस हेड वो सारे बिल्स को रिव्यू करेगा और रिव्यू करने के बाद अपने क्या करेगा साइन करेगा बिल ये यहां पे कौन था बंदा अकाउंटेंट क्या अकाउंटेंट ने भी सब कुछ चेक किया है क्या अकाउंटेंट ने भी सब कुछ चेक किया हाँ पहला कंट्रोल हो गया ये अकाउंटेंट के काम को किसने रिव्यू किया फाइनेंस मैनेजर ने उसके बाद आप पेमेंट कर दो सही पेमेंट कर दो एंड में क्या करेगा अकाउंटेंट एंड में क्या करेगा जी एंट्री पास करेगा जो अकाउंटेंट ने एंट्री पास की गलत कर सकता है क्या क्यों नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता एसेट डेबिट होनी चाहिए क्रेडिट उसको नहीं पता था उसने क्रेडिट कर दी कर सकता है ना भाई एंट्री तो आप कर रहे हो ना सिस्टम थोड़ी ना एंट्री कर रहा है आप जो एंट्री करोगे सिस्टम उस हिसाब से प्रोसेस कर देगा उसको आपने उसको गलत एंट्री कर दी इसीलिए एक रिस्क है किसका रॉन्ग एंट्री का हमने कहा नहीं है जी कंपनी ने इसके लिए क्या बना रखा है कंट्रोल कि जो भी अकाउंटेंट एंट्री करेगा उसको अप्रूव किया जाएगा फाइनेंस हेड के द्वारा कौन अप्रूव करेगा फाइनेंस हेड अप्रूव करेगा तो बेसिकली एक बंदा यहां पे क्या है मेकर और दूसरा बंदा क्या है चेकर एक बंदा क्या है मेकर दूसरा बंदा क्या है चेकर ये एक प्रोसेस आपको समझा दिया उस बंदे ने आपकी मीटिंग अब खत्म होने वाली है अब आप मुझे बताओ इस मीटिंग से आपने क्या सीखा सर हमने देखा कि कंपनी का जो प्रोसेस है स्टेप नंबर वन से भाई मुझे अच्छा यहां आना पड़ेगा जो स्टेप नंबर है, इस फर्स्ट स्टेप पे बहुत सारे क्या है क्या है जी रिस्क है कंपनी इन रिस्क को एक्सेप्ट करना चाहेगी क्या या रिड्यूस करना चाहेगी इसीलिए कंपनी ने क्या डिजाइन कर रखे हैं कंट्रोल्स कंपनी के पास रिस्क है तो कंपनी के प्रोसेस में क्या है कंट्रोल है मानते तो हैं सामने बैठा उसने पूरा प्रोसेस समझा उसने पूरा प्रोसेस सिर्फ उसने प्रोसेस समझा या प्रोसेस के अंदर रिस्क भी समझे और उस रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल भी समझे बताओ दोनों ही समझे ना क्या मैं ये बोल दू एक काम कर पहले तो सारे रिस्क दे कंट्रोल बाद में अलग से समझेंगे रिलेट कर पाओगे अभी आप हर चीज रिलेट क्यों कर पाए मैंने एक रिस्क बताया उस रिस्क के अगेंस्ट क्या कंट्रोल होना चाहिए मैं पहले बताऊं बेटा ये बीस रिस्क है देख लो फिर ये बीस कंट्रोल आप कहोगे भाई कौन सा किसके लिए आया ना तभी तो आपको पता चलेगा ये कंट्रोल सही है या गलत है तो जो ऑडिट का सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है समझना किसको समझना किस प्रोसेस को किसी भी एरिया को जब स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हम उस एरिया का जैसे फाइनेंशियल का कौन सा नंबर चेक करना था आपको परचेज मैंने कहा रख दो साइड में नंबर नहीं चेक कर सकते हम सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा प्रोसेस समझना पड़ेगा आपने क्या किया बिल्कुल जीरो से स्टेप जीरो से आखिरी स्टेप जब रिपोर्टिंग रिपोर्टिंग मतलब जनरल एंट्री वहां तक आपने वो पूरा प्रोसेस मेरे साथ बोलो समझा क्या किया पूरा प्रोसेस समझा उस प्रोसेस के अंदर सारे रिस्क समझे और उन सारे रिस्क को मिटाने वाले कंट्रोल समझे इस समझने वाली प्रोसेस को इस समझने वाली प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में एक नाम दिया गया है वॉक थ्रू इस समझने वाले प्रोसेस को स्टेप नंबर वन को हमारे ऑडिट के पहले काम को एक टेक्निकल वर्ड दिया गया है दैट इज वॉक थ्रू क्या बोला गया है वॉक थ्रू क्यों बोला गया है हम क्या कर रहे हैं कुछ चेक कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे कुछ हम सर स्टेप वन से वॉक करते हुए कोई एक ट्रांजेक्शन उठा ली हमने जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस हम वॉक करते हुए कंपनी के आखिरी स्टेप तक जा रहे हैं जब वो फाइनेंशियल में एंटर कर रही है इसमें इस पूरे प्रोसेस को मैं वॉक करते हुए समझ रहा हूं इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉक थ्रू क्या बोलते हैं यहां पे वॉक थ्रू के अंदर तीन मेन चीजें निकल कर आई वॉक थ्रू के अंदर बेटा कितनी चीजें निकल कर आई वॉक थ्रू के अंदर आप हमेशा तीन चीजें देखते हो नंबर वन प्रोसेस नंबर वन नंबर टू रिस्क एंड नंबर कंट्रोल्स टू मिटिगेट दोज रिस्क आप तीसरे नंबर पे देखते हो कंट्रोल्स ये तीन चीजें मैं चेक करता हूं मैं चेक करता हूं नो no. हम क्या करते हैं अंडरस्टैंड करते हैं और यहां पे अच्छा जी समझ आ गया क्या समझ आया बस क्लास खत्म आखिरी की दो मिनट समझ आ गया क्या समझ आया प्रोसेस समझ आया रिस्क समझ आया तो आगे बढ़ जाए नहीं अब आपको एक इवैल्यूएशन करना पड़ेगा एक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी अपनी जजमेंट से किससे आप ऑडिटर अपनी जजमेंट से एक चीज डिसाइड करोगे वो बताओ क्या डिसाइड करोगे कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा प्रोसेस ठीक है या नहीं पहला और इंप्रूवमेंट हम नहीं बताते मेरा काम कंपनी को इंप्रूवमेंट बताने का नहीं है दैट वर्क विल बी डन बाय इंटरनल ऑडिटर मैं इंप्रूवमेंट बताऊंगा तो फाइनेंशियल कब चेक करूंगा मैं बता सकता हूं कि आप इसको इसका लेकिन अब तो साल बीत चुका है अब तो मुझे चेक करना है तो इंप्रूवमेंट फ्यूचर के लिए आप बता सकते हो बट आप और क्या देखोगे क्या इवेल्युएशन इंप्रूवमेंट दूसरे के लिए आप अपने लिए क्या देखोगे डिसीजन मेकिंग नाम बेटा आपका श्रेया के लिए बजाएंगे सर हम ये करेंगे प्रोसेस तो हमने समझा हम ये भीशन करेंगे क्या अभी भी कोई ऐसा रिस्क है जिसके लिए कोई कंट्रोल कंपनी ने बना ही ना रखा हो जो कंट्रोल ही नहीं होंगे तो मैं फाइनेंशियल पे कंफर्ट कैसे ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा और क्या इवेल्यूएशन करोगे बताओ बेटा आप ही के में ना श्रेया थोड़ा और ऐड करो आप हाँ जी पहले आप बोलो क्या बात है यही चीज मैं ऐड करने के लिए बोल रहा था आपको क्या नाम है बेटा आपका है क्रिश गोयल क्रिश के लिए भी तालियां बजाएंगे प्लीज सभी बच्चे क्योंकि ये और एक बच्चा कह यार मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा डोंट वरी इट विल क्लासेस डोंट वरी एट ऑल सुनना है बस आपने दिमाग नहीं चल रहा आंसर नहीं दे रहा कंप्लीटली फाइन कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे दिमाग में चुपचे दिमाग में मेरे दिमाग में मैं मैं तो इतना पढ़ता हूं क्या बोला कृष्ण ने इन्होंने बोला श्रेया ने श्रेया था ना कि भैया कहीं कोई ऐसा रिस्क तो नहीं है जिसके ऊपर कंट्रोल ही कृष्ण ने कहा सर एक और चीज देखो आप ये समझने के बाद क्या आपको कोई ऐसा रिस्क नजर आ रहा है कि जिसके लिए कंट्रोल तो है एफिशियंट नजर जैसे कि यश को जब लैपटॉप लेना था तो कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव नहीं कर रहे थे उसी का ही एक कोई दूसरा बंदा अप्रूव कर रहा था तो कंट्रोल तो है बट इफेक्टिव और एफिशिएंट नजर तो है और ना है मेरे लिए क्या है तो फिर मैं अपनी चेकिंग फाइनेंशियल की उसी हिसाब से करने वाला हूं और कुछ देखोगे मोटा मोटा आपने सब कवर कर लिया क्या हमने वोक थ्रू में कुछ चेक किया नहीं तो इंटरव्यू का एक क्वेश्चन हो गया आज आपका आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, जो भी इंटरव्यूअर होगा टेक्निकल टीम का अच्छा बेटा आप ऑडिट पढ़कर आए हो, ये बताओ वोक थ्रू में क्या क्या करते हो तो बच्चे जो ज्यादातर गलती करते हैं इंटरव्यू में आंसर करते हैं सर इन वोक थ्रू वी चेक पहला वर्ड गलत कर दिया आपने हम चेकिंग तो उसमें हमें जो वर्ड यूज करना है सर इन वॉक थ्रू वी अंडरस्टैंड प्रोसेस ऑफ कंपनी रिस्क इन प्रोसेस एंड कंट्रोल्स टू मिटिगेट मिटिकेट रिस्क फिर आपसे इंटरव्यूर पूछेगा अच्छा चेकिंग करते हो उन कंट्रोल्स की वॉक थ्रू पे आप कहोगे नो no, सर एट स्टेज ऑफ वॉक थ्रू वी डोंट चेक कंट्रोल्स हाँ तो आप एक बात और बताना क्रिश भाई साहब कंट्रोल्स अच्छे हैं इफेक्टिव लग रहे हैं आपको कि हाँ भाई चार लोग अप्रूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव नजर तो मान ले इफेक्टिव है या आपको लगता है कि भाई उन कंट्रोल को मुझे चेक भी करना कि एक्चुअली में वो कंट्रोल लग भी रहा है या दैट विल बी आर स्टेप नंबर तो वो हम कल डिस्कस करेंगे आज हम अभी स्टेप नंबर वन पे ही हैं तो वॉक थ्रू के अंदर तीन काम किए जाते हैं कौन कौन से अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स जब अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाएगी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेना काफी नहीं है एक डिसीजन मेकिंग भी करनी पड़ेगी और वो डिसीजन मेकिंग में क्या करोगे क्या कंट्रोल्स की डिजाइनिंग जो आप बोल रहे थे ना कंट्रोल इफ तो नहीं है इनको बोलते डिजाइन ऑफ कंट्रोल क्या बोलते हैं कि कंट्रोल्स जो कंपनी ने डिजाइन कर रखे हैं वो इफेक्टिव और एफिशिएंट नजर आ रहे हैं इफ यस वेल एंड गुड वी कैन मूव टू दिस स्टेप नंबर टू तो डिसीजन मेकिंग किस पे होती है बेटा डिजाइनिंग ऑफ कंट्रोल्स पे आज के लिए इतना ही ठीक है जी मिलेंगे कल के लेक्चर में प्लीज जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी आप लोगों को और और आपकी कोई भी डाउट्स हो कोई भी क्वेरीज हो मैं यहीं पर हूँ आप आकर पूछ सकते हो और यूट्यूब वाले स्टूडेंट जो लाइव देख रहे हैं वो भी क्वेरी पूछ सकते हैं अभी लाइव सेशन बंद नहीं कीजिएगा मजा आया बेटा क्लास में तो वॉक थ्रू याद रखिएगा बस अभी और कुछ नहीं <coughs> आ जाओ बेटा आगे. हाँ जी किसी को भी कुछ भी पूछना है दिल खोलकर आप आ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद आपने अपना इतना समय निकाला तो वो तो बिजनेस पर्पज के, के लिए हुआ ना उसे बाहर का पैसा नहीं दो कर लो किसको फर्क पड़ रहा है किसी को फर्क पड़ रहा है किसी को फर्क पड़ रहा है आप ही का पैसा है इधर इधर से से पकड़ो से पकड़ो एक ही बात है है ठीक ना और अगर भार का लगा भी है एग्जाम्पल तो ऑडिटर चेक करेगा कि आप कहां यूज कर रहे हो ठीक है हाँ जी ये वाले नोट चाहिए ये मैंने चार्ट बना रखा है बढ़िया सा अच्छा आपको ये नोट चाहिए क्या मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा हालांकि मैंने बढ़िया फॉर्मेटिंग के साथ ये प्रोसेस बनाया हुआ है जो कि मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा तो अभी आप फोटो ले लो अगर आपको लेने दो। हाँ जी कुछ पूछना है जो जिसके लिए वॉक डिजाइन का नहीं वॉक थ्रू का ही तो पार्ट है ये। जब वॉक थ्रू हमारा अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट हो जाता है मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम बैठ के यही सोचते हैं कर रहे है। तो वो वॉक थ्रू का पार्ट है ना वो we'll उनको हम चेक करेंगे की तो बहुत बाद में आती है तो तो का नहीं, नहीं, वो का हो गया। चेकिंग अलग है अंडरस्टैंडिंग अलग है अंडरस्टैंडिंग वॉक थ्रू में आ जाएगी तो अभी भी सिर्फ आप है ना चेकिंग नहीं कर रहे हो सिर्फ सोच रहे हो कि जो कंट्रोल कंपनी ने बना रखा है वो सही है क्या सही है तो मैं चेकिंग करूंगा हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूछोगे आप उससे कि आपका कंट्रोल मुझे समझ नहीं आ रहा तो हो सकता है वो बताए अरे भाई साहब इतना नहीं हमने एक और कंट्रोल बना रखा है वो सम... आपने डिस्कस करना है हाँ नहीं अभी एंड नहीं करना किसी भी चीज को करण शर्मा की क्वेरी है सभी बच्चे सुनिएगा सर वाई वी डोंट चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट आपको लगता है कि पहले हम फाइनेंशियल चेक कर सकते हैं मैंने एग्जाम्पल दिया अभी आपको आप कैसे रिलाय करोगे वो वाउचर है वो सही है उस पर जिसके साइन है उसी के होने चाहिए थे कैसे चेक करोगे जब तक मुझे यही नहीं पता चलेगा कि इन तीन लोगों के सिग्नेचर चाहिए तो आप कैसे बताओगे कि तीन साइन सही है गलत है इसीलिए हम फाइनेंशियल को पहले चेक नहीं करते हाँ कहाँ से हो आप कितना डिस्टेंस है यार वो आप डिसाइड करो देखो अगर आप मेट्रो में पढ़ सकते हो बैठकर तो तो आओ क्योंकि क्लास में क्या होता है ना एक डिसिप्लिन मैनर में आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाती है लाइव में आपको सबसे बड़ा लालच क्या रहेगा अरे छोड़ यार अभी ना कुछ और कर लेते हैं बैकअप देख लेंगे अगर आप डिसिप्लिन हो ना तो कर सकते हो आप वो अपने हाँ अभी ले रहा हूँ सारे डाउट्स लूंगा अभी लाइव के लाइव वालों के ज्यादातर डाउट ना वही होते हैं जो मैं रिप्लाई कर देता हूँ या फेस टू फेस से आ जाते हैं तो इनका कुछ बचता नहीं अलग से रिकॉर्डेड में बच्चा बिल्कुल ही सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए क्योंकि वो तो आप अपने हिसाब से प्ले करते हो दो की स्पीड पे बखाते हो अभी क्या है आपको ऐसा लगा मैंने बहुत जल्दी जल्दी बोला अगर आप ये सेम चीज रिकॉर्डेड में देखोगे ना आपको लगेगा यार सर कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं वन पॉइंट पे करते हैं सर को उसको सब समझ आता है लेकिन वो रिटेन नहीं रख पाएगा आप जो आपने तसली से सुना है ना मुझे ये चीजें आपके माइंड में रिटेन रहेंगी और वो 1.5x पे समझ तो सब आएगा उस टाइम के बाद गायब हो जाएगा तो ये बड़ा और वो वन पे बड़ा बोरिंग सा लगता है ऐसा लगता है वो धीरे धीरे चल रही है चीज़ें ठीक है नींद आती है हाँ जी कोई क्वेरी ओके जी वेलकम भाई हाँ बस ले आओ भाई वापस मुझे ले आओ निवास स्क्रीन मत रखो हाँ जी बताओ ठीक है। तो बेटा देखो ये तो पहले ही दिन आपको पता है आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई मेरे को कोर्स 10 जनवरी तक खत्म करना है मैं एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग लेके कोर्स खत्म कर देती हूँ बाद में दो लेक्चर देख लूंगी नहीं आएगा अगर आप मैं एक काम करूंगा कुछ क्लासेस के बाद मैं आपके साथ स्पेशली नीचे बैठ जाऊंगा एंड आई विल मेक ए प्लान फॉर यू ठीक है ठीक है हाँ जी लाइव सर ये लड़की तो सुंदर है इसका नंबर ले लो कौन सी वाली ये तो बताओ शक्ल भेजो उस टू अंडरस्टैंड प्रगति शर्मा सर वॉक थ्रू के प्रोसेस में जब वो रिस्क बताएगा तभी उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन करें या नहीं या पहले पूरा समझे फिर क्वेश्चन करें प्रगति आप बताओ क्या करना चाहिए आप जब भी किसी डिस्कशन में बैठे हो कोशिश करो पहले पूरा समझो सुनो उसको फिर आप पंद्रह बीस मिनट आधा घंटा एक दिन लो अपने सारे क्वेश्चन बनाओ दूसरी मीटिंग फिक्स करो बीच में बोलोगे तो सामने वाला आपको समझा नहीं पाएगा जी सर अगर ग्रुप वन में ढंग से पढ़ाई नहीं करी और अब अच्छे से स्टार्ट करें तो रैंक आ सकती है बिल्कुल आ सकती है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना पैशनेट होके पढ़ाई कर रहे हो हाँ जी हमारे भाई बताऊंगा मैं पूरा ना दो घंटे तीन घंटे का डिस्कशन है रिलेटेड पार्टी में रिस्क कैसे है ठीक है हाँ जी बैकअप आपको मिलेगा जब हमारे सात आठ दस लेक्चर हो जाएंगे तब हंड्रेड परसेंट बैकअप मिलेगा फेस टू फेस वालों को वन व्यू हंड्रेड परसेंट बैकअप ठीक है लेकिन उसकी वजह से ये मत करना कि आज क्लास नहीं जा रहे कल नहीं जा रहे बुक्स मिलेंगी आपको आ, इस महीने के बाद कभी भी मिल सकती है मतलब जब हमारे फुल फ्लेज लेक्चर स्टार्ट होंगे ना उससे पहले अच्छा चैप्टर वन का पीडीएफ में आज टेलीग्राम पे डाल दूंगा अभी बुक का कोई यूज नहीं है ऑडिट एक नया सब्जेक्ट है आपके लिए तो बुक पे जाने में बहुत टाइम लगेगा मैं बता देता हूँ एक और बाकी स्टूडेंट के क्वेरी ले लेता हूँ हाँ रेलेवेंट तो क्या करेंगे आप एक बात बताओ सोच कर बताना आपने इल्यूएशन किया वर्क थ्रू के बाद कि कंपनी ने जो कंट्रोल बना रखे हैं वो सही नहीं लग रहे तो क्या आप चेक करोगे करेंगे। क्यों करेंगे जब मुझे लग रहा है कि इसने जो कंट्रोल बना रखा है वो बढ़िया ही नहीं है तो फिर मैं उसको चेक करके क्या करूंगा डिसीजन मेकिंग के टाइम पे ना वर्क थ्रू के टाइम पे ना इफेक्टिव नहीं लग रहे आपको तो फिर हम चेक नहीं करेंगे भाई तो मैं क्यों चेक करूं बेकार चीज है जब मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है तो मैं अपना टाइम खराब क्यों करूं हाँ ये मैं ये अभी चैप्टर में यही तो आएगा कि अगर कंट्रोल अच्छा है सही है तो कैसे चेकिंग करेंगे अगर कंट्रोल सही नहीं है तो कैसे चेकिंग करेंगे दस में से दो कंट्रोल सही नहीं है तो कैसे यही तो सिखाना है मैंने आपको हाँ क्या बात है बहुत बढ़िया काफ़ी अच्छी नॉलेज ले रखी आपने फिर तो बहुत बढ़िया बहुत अच्छी नॉलेज है फिर तो आपको आप मेटेरियलिटी तक तो मैं ही नहीं लेके जाता शुरू के दो तीन क्लासेस में मतलब इतना तो समझ आ गया ना आपने पहले ज्ञान लिया हुआ है कोशिश करो कोशिश करो कि अच्छा <laughs> चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है चलो जी ठीक है ओके बस अरे नहीं यार आई एम वेरी लकी कि आप लोगों से मिलने का मौका मिलता है पढ़ाने का मन करता है बताओ वेलकम सर स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स और बिलोंग टू फाइनेंशियल बैकग्राउंड एम आर जी देखिए मैं बड़ा कोशिश करता हूँ जो वीक बैकग्राउंड के स्टूडेंट उनको सपोर्ट किया जाए लेकिन होता क्या है ना सी ए कोर्स के अंदर सारे ही वीक बैकग्राउंड्स हैं सही बताऊँ तो मैं आपको तो ये आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि, कि किसको सपोर्ट किया जाए किसको ना किया जाए तो अभी के लिए जो ऑर्फन स्टूडेंट हैं उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं बाकी किसी को नहीं स्कॉलरशिप के बारे में मैं बता देता हूँ जिन स्टूडेंट के फाउंडेशन में नंबर याद है तुमको कितने मेरे को तो याद भी नहीं है कितने नहीं टू एटी था शायद नहीं नहीं फाउंडेशन में सी एंड इंडिया की स्कॉलरशिप का याद है नहीं मेरे हिसाब से मेरे को मैं भूल गया हूँ नंबर जिनके फाउंडेशन में टू एट्टी या टू एट्टी प्लस है उनको हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं आपने पूछा मैंने बता दिया वीक जो आप बता रहे हो फाइनेंशियल बैकग्राउंड वाला उनको भी हम कंसिडर नहीं कर पाते हैं हाँ जी सेम काम आएगी कोई नहीं मतलब तो फेस टू फेस में नहीं 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 लेने की जरूरत है ठीक है पुराने से ये वाली बुक है ना आपके पास हाँ नहीं लेनी चलो जी बता रहा हूँ <coughs> हाँ जी YouTube पर रहेगा हाँ जी मे 24 फोर नवम्बर ट्वेंटी के लिए है सर वॉक थ्रू का एक पर्टिकुलर डेफिनेशन अभी कुछ नहीं करना आपको डेफिनेशन के टाइम पे डेफिनेशन करवाया जाएगा सर आईसीए फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए उसने पहले ही पूरा डिक्लेरेशन दिया हुआ है हज़ार रुपए के आसपास वो लोग चार्ज कर रहे हैं चलो जी नोट्स कैसे बनाने हैं सोरो भाई अभी तो समय ही नहीं आया सब बताऊंगा मैं बिल्कुल निश्चिंत हो कि आप बाकी सब्जेक्ट की पढ़ाई करो ऑडिट में जितना पढ़ाया है जितना समझाया है सिर्फ उसी पे फोकस करो ठीक है अभी नोट्स वगैरह का मैंने कोई डिस्कशन ही नहीं किया है सर ब्लैक ध्रुव अग्रवाल मैं मारने वाला हूँ तुमको बहुत हुआ चलो जी लाइव वाले सभी स्टूडेंट बाय कपिल जय हिंद दोस्तों भाई निवास वीडियो बंद कर दीजिएगा प्लीज लाइव हाँ जी आपको क्या पूछना है पूछिए देखो इसमें सिर्फ मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि कंपनी के किसी एक पॉइंट पर किसी भी एक पॉइंट पर ठीक है बहुत सारे क्या होते हैं